السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين। सबसे पहले हर तरह की हमद और सना तारीफ और तौसीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसके फजल व एहसान से कुरान की तफसीर की इस बाबरकत मजलिस में हम जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान की बरकत से हमारे जिंदगी को अपने फजल और नेमतों से भर दे। अल्लाह ताला हमारी जन्नत में हमारे दराजात बुलंद करे। कुरान की बरकत से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। सूरह बकरा की इस तफसीर तशरीह का जो सिलसिला शुरू हुआ है और हम अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 223 तक पहुंच चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान की बरकतों से इस मजलिस को इख्तिताम तक पहुंचाने की और कुरान की आयतों में गौर व फिक्र करने की और उनके मानी से अपने अकीदे अमल और किरदार और अखलाक की इस्लाह करने की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान मजीद हिदायत की किताब है और ये हिदायत सिर्फ अकीदे और इबादत के मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं दी है, बल्कि हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जो हमारे ताल्लुकात होते हैं, हमारे रिश्ते होते हैं, नाते होते हैं, उनमें भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए हिदायतें रखी हैं कि हम उनमें कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल एहसान से और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से सीधे रास्ते पर रहें। रिश्तों के क्या हुकूक हैं और उनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं और रिश्तों की नौइयत क्या है, ये भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह किया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 222 जो पिछली आयत है उसमें अल्लाह ताला ने एक हुक्म बताया कि सहाबे किराम ने जब अल्लाह के नबी से पूछा कि हालत हैज में क्या अहकाम उन पर लागू होते हैं, क्या चीज़ें हैं जिनकी इजाज़त है, क्या चीज़ें हैं जिनकी इजाज़त नहीं है, तो अल्लाह ताला ने वो हुक्म बताया कि हालत हैज जो है वो तकलीफ के दिन होते हैं और हैज का जो खून है वो गंदगी का खून है, तो हैज की हालत में औरतों से दूर रहना है और जब वो पाक हो जाए तो उसके बाद उनसे कुर्बत करनी है। अब यहाँ पर उसी हवाले से एक और मौजू है जो गुफ्तगु में ज़ेर बहस लाया जा रहा है। फरमाया निसाउकुम हर्सुल्लकुम फातू हर्सकुम अन्नशीतुम, कि तुम्हारी औरतें यानी तुम्हारी बेबियाँ हर्सुल्लकुम तुम्हारी खेती हैं, फातू हर्सकुम अन्नशीतुम तो अपनी खेतियों में आओ जिस तरह से चाहो, वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम और अपने लिए आगे का सामान भेजो, आगे की तैयारियां कर लो, आगे के लिए अपना अजर भेज दो, वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो, वअलमु अन्नकुम मुलाकूहु और जान लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिलने वाले हो तुम, वबश्शिरिल मुमिनीन और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दो। तो ये आयत एक बुनियादी तौर पे एक शौहर का अपनी बीवी के साथ ताल्लुक कैसा होना चाहिए और शौहर और बीवी के ताल्लुक की नौइयत क्या होती है, इस पर गुफ्तगू कर रही है। अल्लाह ने फरमाया निसाउकुम हर्सुल्लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, फातू हर्सकुम अन्नशीतुम तो तुम जैसा चाहो वैसा अपनी यानी जब चाहो और जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों के पास आओ, वक़द्दिमूली अन्फुसिकुम और अपने लिए नेकी का सामान आगे भेज दो। अब ये आयत जो है कुरान मजीद में मर्द और औरत के रिश्तों को अलग अलग तरीके से बयान किया गया। यहाँ पर खेती का कुरान मजीद में एक और जगह है जहाँ पे अल्लाह ने लिबास फरमाया, वो आयत पीछे गुजर चुकी है, उन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, की औरतें तुम्हारा लिबास है तुम औरतों का लिबास हो। और भी जगहों पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो तुम्हारे लिए राहत का सामान है। तो इस तरह की बहुत सारी आयतें कुरान मजीद में औरत और मर्द के ताल्लुक को डिफाइन करते हैं। एक मर्द का अपनी बीवी के साथ और एक औरत का अपने शौहर के साथ ताल्लुक क्या होता है उसको अरबिलुमूम ये इस्तियारों में इशारों में किनायों में बयान होता है। जैसे लिबास जो है वो एक इस्तियारा है, किनाया है, एक सिंबल है, एक सिंबल के जरिए से बयान किया जाता है कि औरतों का मर्दों से क्या ताल्लुक है। तो कभी लिबास कह दिया, कभी खेती कह दिया, कभी अल्लाह ताला ने सुकून का जरिया कह दिया। ये सारी चीजें जो है वो एक अलामती इजहार होता है, एक जो है वो अलामती वजाहत होती है कि औरत का मर्द से कैसा ताल्लुक है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया निसाउकुम हर्सुल्लकुम, औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। इस पर अव्वलन तो पहले हम ये देख लेते कि इस आयत से मुतालिक बहुत सारी नुसूस मिलते हैं कि आयत किस लिए नाजिल हुई, इसके नुजूल का मकसद क्या है। अल्लाह ने फरमाया, ये इब्नुल मुनकदीर है वो हजरत जाबिर से रिवायत करते हैं कि जाबिर ने फरमाया कानत अल्यहूद तखूलू इज़ा जामाहा मिन वराइहा जा अल वलदु अहवल फनज़लत निसाउकुम हर्सुल्लकुम फातू हर्सकुम अन्नशीतुम। ये
सही बुखारी की रिवायत है, इमाम हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं यहूद कहा करते थे कि औरत से अगर पीछे से हमदस्तरी की जाए तो बच्चा जो है वो भेंगा और काना पैदा होगा। इस पर आयत नाजिल भी कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, तो तुम जहां से भी आना चाहो वहां से आओ। अभी इंशाल्लाह तआला इन चीजों की वजाहत होगी। इब्ने अब्बास की एक रिवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा हजरत उमर आए और कहा हलक तो ए अल्लाह के रसूल मैं हलाक हो गया। तो अल्लाह के नबी पूछा वमा अहलक का तुमको किस चीज ने हलाक किया? काला हव्वल तो रहली अल्लैला, उन्होंने कहा कि मैंने रात में अपनी सवारी तब्दील कर ली, तो यानी कि मैं पीछे की तरफ से औरत से सोहबत कर ली है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी पर यह आयत नाज़िल हुई निसाउकुम हर्सुल्लकुम फातू हर्सकुम अन्नशीतुम, कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं तो तुम अपनी खेतियों में जैसा आना चाहो वैसे आओ। उसी तरह से एक रिवायत जो है वो मुस्नद अहमद की है कि ये आयत जो है वो अंसार के बारे में नाजिल हुई, वो अल्लाह के नबी के पास आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि पीछे की तरफ से औरत से हमबिस्तरी करने का क्या मतलब क्या हुक्म है उसका? तो लगे फरमा इतिहा अला कुल्ली हाल इदा काना फिल फर्जी, कि उनको किसी तरफ से भी आकर के उनसे हम बिस्तरी कर सकते हो, अगर फर्ज में यानी औरत का जो आगे का हिस्सा है उस आगे के हिस्से में हम बिस्तरी करना है वो किसी तरफ से भी करें ये जायज है। और उनके बारे में ये अंसार के बारे में आयत नाज़िल हुई। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें हैं और ये जो नुज़ूल से मुतालिक आयतें होती हैं कि फला के बारे में, जैसे हज़रत उमर के बारे में भी आया कि नाजिल हुई, और एक रिवायत में कि यहूद के बारे में नाजिल हुई कि यहूद कहा करते थे कि पीछे से हम बिस्तरी करने से बच्चा जो है वो अहवल यानी काना पैदा होता है, और अंसार के बारे में कहा कि अंसार के बारे में नाजिल हुई। तो इन सारी चीजों के बारे में बयक भी नाजिल हो सकती है, यानी जरूरी नहीं कि हर आयत का एक ही शान नुज़ूल हो, बाज़ मरतबा एक आयत के एक से ज्यादा शान नुज़ूल होते हैं, और बाज़ मरतबा ये होता है कि शान नुज़ूल से मुराद ये होता है कि इस मामले में भी ये हुक्म नाजिल हुआ, यानी ये तीनों तरह के मामला पेश आए और तीनों तरह की चीजों के बारे में ये आयत नाजिल हुई। तो निसा हुकुम हर सुल्लकुम फातु हर सकुम अन्नशी, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं तो तुम अपनी खेतियों के पास जैसे आना चाहो वैसे आओ। पिछले आयत में भी तफसीर में मैंने ये बताया था कि हमारा दीन अल्हम्दुलिल्लाह इसका ये हुस्न है कि हमारा दीन हमसे तरके दुनिया का मुतालबा नहीं करता, हमारा दीन हमसे ये नहीं कहता, यानी दुनिया में आप जितने मजाहिब हैं उनमें आप ये देखेंगे कि उनके यहाँ मजहब का तसव्वुर रहबानियत वाला है, जोगीपन वाला है, संन्यासपन वाला है, यानी कोई शख्स अगर अल्लाह ताला के करीब होना चाहता है तो उस पर लाजिम कर देगा कि वो औरत से दूर हो जाए, औरत को एक शर और एक इविल की हैसियत से देखा जाता है, और तकवे और विलायत का मेयार ये बना लिया गया है कि जब तक कि बंदा शादीशुदा जिंदगी से अपने आप को काट ना ले, औरत से दूर ना हो जाए, अल्लाह के करीब नहीं हो सकता वो। इसलिए हर मजहब में रहबानियत का तसव्वुर है, संन्यास लेने का तसव्वुर है, तर्क दुनिया का तसव्वुर है। इस्लाम में अल्लाह के नबी ने फरमाया ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में कोई रहबानियत नहीं है, कोई जोगीपन नहीं है। बुद्धिस्टों में आप देखें मिजाज ये है कि अगर आदमी को करीब होना है अल्लाह से तो फिर वो जो है वो दुनिया को त्याग दे, शादी ना करे, फैमिली ना रखे, माँ बाप से दूर हो जाए और कहीं जंगलों में चला जा करके भिक्षु बन जाए और सारी दुनिया से दूर हो जाएगा तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे हिंदुओं में जो है ना वो तसव्वुर है कि तकवा यह है कि आदमी बाल ब्रह्मचारी हो जाए और जब बाल ब्रह्मचारी हो जाएगा फैमिली छोड़ देगा तभी वो अल्लाह के करीब हो सकता है, खुदा के करीब हो सकता है। और ईसाइयों में आप देखते हैं पादरी हैं वो शादी नहीं कर सकते, जो नंस होती हैं कलीसा में वो शादी नहीं करती हैं और अपने आप को कलीसा में बंद कर लेते हैं, अपने माबद में बंद करके, और उनके हिसाब से ये अल्लाह की कुर्बत का जरिया है। हमारा दीन अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ ये कि जो है वो निकाह से रोकता नहीं है बल्कि हमारा दीन तो हलाल रिश्ते की तरगीब देता है, ये हमारे दीन का बहुत बड़ा हुस्न है और ये उसके फितरी दीन होने का एक अलामत है कि हमारा दीन औरतों से निकाह से रोकता नहीं है बल्कि उसकी उसकी हौसला अफजाई करता है। हमारे दीन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार हुक्म दिया है कि शादी करो, मर्दों से कहा गया शादी करो, लड़कियों के औलिया से कहा गया कि अपनी बच्चियों की शादियां कराओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों से मुखातब होकर के कहा कि जिनके अंदर ताकत है वो शादियां कर लें। तो हमारे दीन का ये हुस्न है कि जो इंसान की फितरी जरूरतें हैं, जो उसकी नेचुरल नीड्स हैं, उन पर हमारा दीन पाबंदी नहीं लगाता अल्हम्दुलिल्लाह। ना सिर्फ ये कि पाबंदी नहीं लगाता बल्कि हमारे दीन में तो निकाह को और औरत और मर्द के ताल्लुक को बाकायदा एक इबादत करार दिया गया है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान को उस लुक्मे पर भी सवाब मिलता है जो अपनी बीवी के मुंह में डालता है। इंसान निकाह बाकायदा हमारे दीन में एक इबादत है, इसलिए आप देखेंगे कि जो हमारे हदीस की किताबें होती हैं बुखारी मुस्लिम तिर्मिजी इब्ने माजा जो भी फिकही अबवाब किताबें हैं
उनमें जहां आपको नमाज का बाब मिलता है, जहां रोजे का बाब मिलता है, जहां हज और जकात का बाब मिलता है, वहीं आपको निकाह का भी बाब मिलता है, क्योंकि निकाह बाकायदा एक इबादत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सारे मजाहिब में कि निकाह से बंदा अल्लाह ताला से दूर हो जाता है, हमारा दिन क्या कहता है कि निकाह से बंदा अल्लाह के और करीब हो जाता है। इजा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बंदा जब निकाह करता है तो उसका आधा दिन मुकम्मल हो जाता है। तो हमारे दिन में ये हुस्न है हमारे दिन का बहुत बड़ा कि भाई ये इंसान की फितरत है कि मर्द जो है वो औरत से रगबत रखता है, औरत की ख्वाहिश अल्लाह ताला ने मर्द के दिल में डाल दी है। जैसे सूरह निसा में जहां अल्लाह ताला ने इंसान की फितरी ख्वाहिशात का जिक्र किया, वहां सबसे पहले औरत का जिक्र किया, फरमाया والبنين والقلاطير المقدرة من الذهب والفضة, सारी चीजों का जिक्र किया कि इंसान के लिए दुनिया में क्या मुजयन किया गया, कौन सी चीजें जीनत के लिए रखी गई हैं, जीनत इंसान जिनसे रगबत महसूस करता है, जिनकी तरफ इंसान जो है वो चाहत उसकी होती है, वो अल्लाह ताला ने उनकी एक लंबी फहरिस्त जिक्र की। सबसे पहले जिक्र किया निसा कि औरतों की तरफ मर्दों को अल्लाह ताला ने रगबत रखी है, ये औरत जीनत है मर्द के लिए, और जो जीनत है वो अल्लाह ताला ने हलाल की। अल्लाह ने फरमाया कुल मन हर्रम जीनत अल्लाह अल्लती अखरज लिइबादिही, कि अल्लाह ताला ने जो जीनत अपने बंदों के लिए निकाली है उसको हराम करने वाला है, अल्लाह ने हलाल किया है। दूसरे मजाहिब ने सख्ती करते हुए इंसान की फितरत मस्क करते हुए इस मर्द वजन के ताल्लुक को हराम कर दिया और इसको अल्लाह से गुर्बत का जरिया समझा। हमारे दीन ने अल्हम्दुलिल्लाह आजादी दी और अपनी फितरी ख्वाहिशात जो अल्लाह ताला ने रखी है उनको हलाल दायरे में रह करके पूरा करना, इसको इबादत करार दिया गया। इवन यानी आप सोचिए कि हमारे दिन में यहां तक कि आदमी अपनी बीवी से अपनी शहवत पूरी होने के लिए गुर्बत करता है, सोहबत करता है, उस पर भी अल्लाह ताला ने उसके लिए अज्र रखा है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है और ये इस्लाम के दीन हक होने की दलील है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो जो एक फितरत के तकाजे हैं उन पर पाबंदियां नहीं लगाई। हाँ, उनको एक दायरा महदूद कर दिया है कि भाई इन दायरे में रह करके, ये हलाल का दायरा, इस दायरे के अंदर रह करके इन ख्वाहिशात को पूरा करना है, पर जो हलाल का दायरा है वो भी बहुत वसी रखा है अल्लाह ताला ने इंसान, इसलिए ताकि उसकी फितरत मस्क ना हो, तो हलाल का एक दायरा रखा भी कि हलाल दायरे में रह करके जो भी अल्लाह ताला ने लज्जतें दुनिया में पैदा की हैं उन चाहतों को पूरा करो और कहीं पर शरीयत तुमको उस पर मुआखजा नहीं करेगी। अल्लाह के नबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद के अपने अब्बास के बारे में आता है कि वो किसी नौजवान को उन्होंने देखा तो पूछा तजव्वज था कि तुमने निकाह कर लिया है, तो कहा कि नहीं, मसूद ने कहा कि शादी करो, इब्ने अब्बास ने कहा गालिबन शादी करो क्योंकि ऐसा इन कई रकम अक्सर हुक्म नहीं था अन, कि तुम में जो सबसे बेहतर था उसकी सबसे ज्यादा बीवियां थी, यानी अल्लाह के नबी सबसे बेहतर थे और अल्लाह के नबी की बीवियां सबसे ज्यादा थी, तो शादी करना कोई ऐब की बात नहीं है बल्कि हमारे दीन में दीन का हिस्सा है, इबादत है, अल्लाह का हुक्म है, मुस्तहब है, कम से कम जो मर्तबा है वो निकाह का कि वो मुस्तहब है शादियां करना। तो एक तो हमारे दीन ने हमको निकाह पर शादियों पर उभारा है क्योंकि हमारी फितरत का तकाजा है, फिर दूसरा ये कि एक आदमी का अपनी बीवी के साथ ताल्लुक कैसा होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन ने उस मामले में भी हमको अंधेरे में नहीं छोड़ा। अल्लाह के नबी जो फरमाया तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा, मैं तुमको एक खुली हुई रोशन शाहरा पे छोड़ करके जा रहा हूँ, रोशन रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूँ, लैलुहा कनहारिहा, जिसकी रातें भी उसके दिन के मानिंद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन ने ना सिर्फ ये निकाह की तरगीब दी है बल्कि औरतों के साथ हमारा सुलूक कैसा होना चाहिए, हमारा रवैया कैसा होना चाहिए और मर्द हुसन का ये जो ताल्लुक है, इस ताल्लुक की नौयत क्या है, ये किस तरह का ताल्लुक है, इसको भी डिफाइन कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और जाहिर सी बात है कि सिर्फ अल्लाह ही है जिसको हक है कि वो इस रिश्ते की वजाहत करे, क्योंकि जाहिर सी बात है मर्द का पैदा करने वाला अल्लाह, औरत का पैदा करने वाला अल्लाह, तो मर्द और औरत के दरमियान ताल्लुक कैसा होना चाहिए इसको डिफाइन करने का हक सिर्फ अल्लाह को है और किसी को नहीं है। अल्लाह के अलावा और किसी को यक नहीं हासिल है कि वो बताए कि दो सिंफों में आपस में एक दूसरे के साथ हुकूक कौन कौन से हैं, जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं, दोनों का एक दूसरे के साथ सुलूक कैसा होना चाहिए, एक दूसरे के साथ रवैया कैसा होना चाहिए, ये खालिक ही जो डिफाइन कर सकता है। भाई अगर औरत को, औरत के तबके को इजाजत दी जाए कि वो हुकूक और जिम्मेदारियां तय करे, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने हुकूक तो बहुत सारे रखेंगी और जिम्मेदारियां कम कर देंगी। अगर मामला मर्दों को दे दिया जाए कि तुम तय करो हुकूक और जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए, तो वो अपने हुकूक बहुत लग लेंगे और जिम्मेदारियां नहीं देंगे। तो ये जो शरीयत है, जो हमारा दीन है अल्हम्दुलिल्लाह, ना ये औरतों को इस मामले में फैसला बनाता है कि औरतें तय करें उनको क्या क्या हुकूक चाहिए, क्या जिम्मेदारियां उनकी होनी चाहिए, ना मर्दों को जो है ना वो, क्योंकि अगर औरत और मर्द खुद ही तय करते रहे कि हुकूक और जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए, तो कभी तो दुनिया में कयामत तक फैसला नहीं होने वाला। जो फेमिनिज्म का नजरिया है और उसके मुकाबले में जो नजरियात हैं, जहां मर्द जो है वो बहुत जो हावी हो जाता है, तो इन सारे मामलों की असल जड़ क्या है कि हमने ये समझा कि ये तय करना कि औरत और मर्द का ताल्लुक कैसा होना चाहिए हमारा काम है,
ये हमारा काम नहीं है, अल्लाह का काम है। और अल्लाह ने ये काम अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत के जरिए से कर दिया है। जो अल्लाह ताला ने दीन उतारा उस दीन में दोनों के हुकूक और जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं और एक बहुत खूबसूरत बैलेंस कायम कर दिया गया है। इसलिए जहां इस्लामी अहकाम होंगे इंशाअल्लाह ताला वहां पर मसाइल पैदा नहीं होंगे। वहां मर्द और औरत का ताल्लुक एक फितरी नौइयत का ताल्लुक होगा, दोनों के हुकूक भी होंगे, दोनों की जिम्मेदारियां भी होंगी। आगे वो आयत आएगी इंशाअल्लाह ताला वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ, के औरतों के हुकूक भी हैं और मारूफ तरीके से उन पर जिम्मेदारियां भी हैं, जो जिम्मेदारियां हैं उसी तरह से हुकूक भी हैं। तो ये हमारे दीन का हुस्न है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा दीन ना सिर्फ ये कि एक इंसान की फितरी जरूरत को महसूस करता है और उसको जो है रिकॉग्नाइज करता है, बल्कि उस जरूरत को जायज तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पूरा करने की और फिर उन उस जरूरत को पूरा करने के तहत एक औरत और मर्द अगर एक खानदान बनकर के रह रहे हैं तो उस रिश्ते की नौइयत क्या होनी चाहिए वो अल्लाह ताला ने वाजे कर दी। तो फरमाया ये बड़ी प्यारी, यानी इंसान ये जो एक सिर्फ एक जुमला जो कहा गया ना निसा उकुम हर सुल्लकुम, इस एक जुमले ने बहुत सारी चीजों को जो है ना कि इशारे में वाजे किया। मैं इससे पहले भी बताया कि हमारे दीन में बहुत सारी चीजें जो है ना वो हया की वजह से बहुत जो फैश अल्फाज नहीं आते हैं, अल्लाह ताला इशारों में और किनायों में जो है वो इंसानी जो है रिश्ता जो बहुत नाजुक सा रिश्ता है उसकी वजाहत करता है। तो पहली बात क्या फरमाई, निसा उकुम हर सुल्लकुम, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं। देखिए खेती की जगह बाग का लफ्ज भी कहा जा सकता था, पर बाग के बजाय यहाँ पर खेती का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, क्योंकि बाग में एक चीज ये होती है ना कि इंसान बाग में सिर्फ तफरी के लिए जाता है। कभी आप पार्क में जाते हैं, आपके जाने का मकसद सिर्फ तफरी होता है, वहां से किसी फल के हुसूल का मकसद हमेशा नहीं होता है। पार्क में गए हैं क्या है, बस छांव लेना है, तफरी करके आ जाना है। खेत में इंसान तफरी के लिए नहीं जाता, खेत में जाने का मकसद खेती का खेत किसान का क्या होता है, उससे अनाज का हुसूल। तो अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला फरमा रहे कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, यानी उनके पास जब जाओ तो तुम्हारा मकसद महज तफरी का हुसूल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अल्लाह ताला ने लज्जत रखी है मर्द के लिए, एक इंतहा दर्जे का सुकून औरत के पहलू में रखा है, लेकिन सिर्फ वो लज्जत और वो सुकून हासिल करना तुम्हारा मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि औरत के पास जाने का मकसद ये होना चाहिए कि उससे हम बिस्तरी करके एक नेक और सालेह नस्ल की बुनियाद डाली जाए, उससे हम बिस्तरी के जरिए से ऐसी औलाद पैदा हो जो अल्लाह ताला की इताअत के काम में हमारी मुआविन हो, हमारे लिए सदक़े जारिया बने, हमारे मरने के बाद हमारे लिए दुआएं करें, उसकी मगफरत की दुआओं के जरिए से हमारे दर्जात बुलंद हो, एक ऐसी नस्ल पैदा हो जो हमारी कौम हमारे दीन हमारी उम्मत के खिदमत गुजार बने। तो औरत से हम बिस्तरी का असल नीयत जो होनी चाहिए वो महज लज्जतों की तस्कीर नहीं होनी चाहिए, यानी औरत को महज एक सामान्य लज्जत ना समझा जाए, बल्कि औरत को यह समझा जाए कि एक नस्ल पैदा करने वाली है और उस नस्ल के हुसूल का मकसद होना चाहिए। इसलिए इससे देखिए, इससे पहले जो आयत गुजरी थी रोजे के हवाले से, उसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था कि अल्लाह ताला ने पहले ये जो है पाबंदी लगा दी थी कि रात के वक्त में तुम अपनी बीवियों से बिस्तरी नहीं कर सकते हो। फिर वो जब पाबंदी उठा ली गई तो अल्लाह ताला ने फरमाया उहिल्ला लकुम लैलतस सियामी अर्रफसु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम वअंतुम लिबासुल लहुन। अल्लाह ताला ने वहां पे एक जगह फरमाया वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, इस तरह के अल्फाज हैं कि तुम अब रात में अपनी बीवियों के पास जा सकते हो, तो जाओ तो क्या करो, तलाश करो वो उस चीज को जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है, यानी अगर जो तुम्हारी किस्मत में अल्लाह ताला ने औलाद लिखी है उस हमबिस्तरी का मकसद उस औलाद का हुसूल होना चाहिए। यानी वो कि औरत को एक सामान ने लज्जत सिर्फ ना समझा जाए, लज्जत तो है सुकून तो है, अल्लाह ताला ने वो जो एक हमबिस्तरी में लज्जत रखी है वो है, पर सिर्फ वही मकसद नहीं होना चाहिए एक औरत से कुर्बत का, बल्कि उससे एक आला तरीन मकसद होना चाहिए। और अच्छा देखिए फिर उस मकसद को जो है ना वो बाकायदा जब हम उस मकसद को जो है वो बाकायदा जब दुआ पढ़ाई जाती है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है कि अपनी बीवी से कुर्बत करो तो ये दुआ पढ़ लो, उस मकसद की एक तजदीद नीयत भी कराई जाती है कि आदमी नियत जब दुआ पढ़ता है तब भी वो क्या अल्लाह मजन्नीब न शैताना मजन्नीब शैतान हमारा रज़क़तना, अल्लाह का नाम लेकर के शुरू कर रहा है और फिर ये दुआ कर रहा है कि अल्लाह ताला यानी इस हमबिस्तरी के जरिए से जो औलाद भी होने वाली है अल्लाह ताला उसको भी शैतान से बचाना, हमको भी शैतान से बचाना। तो जहन में एक मकसद ताजा किया जा रहा है कि कुर्बत का ये अमल जो है ना वो सिर्फ महज तफरी है महज नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसान क्योंकि एक आला तरीन मकसद के लिए दुनिया में आया है तो वो आला तरीन मकसद अपनी बीवी से कुर्बत के वक्त भी जहन में होना चाहिए कि हमारा बीवी से कुर्बत करना भी असल में उसका मकसद क्या है, अल्लाह ताला से औलाद का हुसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो जो एक अल्लाह ताला ने औलाद रखी है उसका हुसूल। तो एक तो ये कि औरतें तुम्हारी खेतियां हैं तो वो खेतियों को
खेतियों से जो किसान का मामला होता है कि वो जो है खेतियों में महज तफरी के लिए नहीं जाता, बल्कि उसका मकसद अनाज का हुसूल होता है। तो बिल जिसे जमीन है, जमीन में इंसान बीज बो देता है, बीज बोने के बाद उसको मिट्टी से ढाप देता है, फिर वो जो बीज जो है वो अलग अलग शक्लें इख्तियार करके उससे छोटी सी कोपल निकलती है, फिर उससे एक तनावर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक दाने से दाने पैदा होते हैं। तो ऐसे ही जो इंसान का अपनी बीवी से कुर्बत का मरहला होता है, उसमें क्या करता है वो, जैसे इंसान खेती खे जो किसान होता है वो मिट्टी के अंदर बीज को बो देता है, वैसे ही एक मर्द जो है वो अपना बीज अपनी औरत के रहम में डाल देता है। फिर उसके बाद अंदर जो सारा प्रोसीजर है वो तो अल्लाह ताला ही कर रहा होता है। जैसे वहां मिट्टी के अंदर किसान खेत में बीज डालने के बाद फिर वो अपने हाथ उठा लेता है, फिर उस बीज से अनाज निकालना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कुदरत से होता है। वैसे ही इंसान अपनी, वो कुरान मजीद बाकायदा जो है ना, ये दोनों मिसालें सूरह वाकिया में भी अल्लाह ने बयान फरमाई, अफराई तुम्मा तुमनून, हाँ, कि जो तुम अपनी बीवी के रहम में छोड़ करके जाते हो, वो फिर उसको एक इंसान कौन बनाता है, अल्लाह ही ताला बनाता है। तो दोनों देखिए, खेत ये भी खेती है, वो भी एक तरह की खेती है। तो एक इशारा तो इस तरफ किया गया, एक आयत से हमको जो खेती कहा गया उससे एक मतलब तो ये समझ में आया कि बीवी से गुर्बत का जो ताल्लुक है वो महज तफरी का और लज्जत का ताल्लुक नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका एक मकसद ही होना चाहिए कि उससे हम औलाद हासिल करें। और फिर अच्छा, एक बात और इसमें इशारे में कह दी गई कि भाई खेती में जब इंसान खेती करता है, जो किसान होता है वो खेती करता है, तो वो क्या करता है भाई, एक तो मौसम का लिहाज करता है कि कौन से मौसम में कौन सा अनाज बोना है, और दूसरा ऐसे ही कहीं पर भी जा करके वो खेत के बाहर जो है वो अपनी बीज नहीं फेंक देता, बल्कि बाकायदा उस जगह पर बीज डालता है जहां से अनाज वो हासिल कर सकता है। तो बीवी खेती है तो इसमें भी इन दो चीजों का लिहाज करना है। पहली बात है कि भाई मौसम, जैसे कि जो किसान जो है वो मौसम का लिहाज करता है, तो मर्द के लिए भी मौसम है। मौसम यानी वो जब तोहर की हालत में हो, हालत हैज में हो, तो उसे हम बिस्तरी नहीं कर सकता, क्योंकि पिछली आयत भी इसी तरह से गुजरी है ना कि हैज की हालत में औरतों के करीब मत जाओ। तो जैसे किसान हर मौसम में बीज नहीं बोता, उसको पता है कि भाई ये मौसम बीज बोने का है, इसमें बीज बोने से हानि हालत हैज में होता है कि औरत को जो एग्स होते हैं वो जाये हो चुके होते हैं, तो उस दरमियान में हम बिस्तरी करने से औलाद नहीं हो सकती है, तो और वो गंदगी का मौका होता है औरत उसको टेंशन में होती है। तो जैसे किसान जो है वो बीज बोते हुए मौसम का लिहाज करता है, वैसे तुम भी जब अपनी बीवी से हम बिस्तरी करो तो जो उसके मौसम है, मवासी में जो वक्त है, उस वक्त का लिहाज करो, हालत हैज में उनसे हम बिस्तरी मत करो, बल्कि हैज के अलावा जो पाकी की हालत है उसमें हम बिस्तरी करो। और जैसे किसान खेत के अंदर बीज बोता है, तो तुम भी जो इंसान को अल्लाह ताला ने उसके जिस्म में मनी रखी है जिसके जरिए से औलाद हासिल होती है, तो उसको वहां डालो जहां से बच्चा पैदा हो सकता है। और इसमें गोया की एक तरफ इस तरफ भी इशारा है कि जो औरत का पिछला हिस्सा होता है उसमें हम बिस्तरी मत करो, क्योंकि उसमें हम बिस्तरी करने से औलाद पैदा नहीं हो सकती है, औलाद अगले हिस्से में हम बिस्तरी करने से पैदा होती है। तो जैसे किसान जो है वो खेत के अंदर ही बीज डालता है, वैसे तुम भी हम बिस्तरी आगे के हिस्से में करो, पीछे के हिस्से में मत करो। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हदीसें इस बारे में हैं, और सारी हदीसें जिक्र करने का मेरे पास शौक नहीं, बहुत मशहूर हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही रिवायत तिर्मिजी में भी है, मलऊन मन अता इमरातन फी दुबुरिया, कि वो ऐसे शख्स पर अल्लाह ताला की लानत है, यानी वो मलून है ऐसा शख्स जो अपनी बीवी से उसके दुब्र में यानी पीछे के हिस्से में हमबिस्तरी करता है। तो यानी हमबिस्तरी करते हुए एक तो उनकी नापाकी की हालत में हमबिस्तरी मत करो, और पीछे की तरफ हम बिस्तरी मत करो। तो एक होता है पीछे के हिस्से में हम बिस्तरी करना, और फिर एक यही कि पीछे की तरफ से हम बिस्तरी करना। पीछे की तरफ से यानी आदमी आगे के हिस्से में हम बिस्तरी कर रहा है, लेकिन वो पीछे की तरफ से हम बिस्तरी कर रहा है। तो इसकी इजाजत दी गई कि अगर तुम्हारी खेती है तो खेती तुम किसी तरह से भी करो, किसान किसी भी तरह से बीज डाले, असल तो उसके अंदर बीज डालना होना चाहिए, तो वो आगे की तरफ से यानी पोजिशन चाहे आगे की तरफ से हो या पीछे की तरफ से हो, बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुस्नद अहमद की एक रिवायत है कि हर चीज की इजाजत है अगर इजाकाना फिल फर्जी, अगर आदमी अपने फर्ज यानी औरत के अगले हिस्से में बिस्तरी कर रहा है तो वो किसी तरफ से भी हम बिस्तरी करे उसको इसकी इजाजत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इतिहा आला कुल्ली हाल, किसी भी तरह से आओ, लेकिन होना शर्त क्या है कि औरत जो है वो फर्ज में करो, उसके जो आगे का हिस्सा है उसमें हम बिस्तरी करो। तो पाबंदी सिर्फ ये है कि पीछे हम बिस्तरी जो नहीं कर सकता है, और नापाकी की हालत में हम बिस्तरी नहीं कर सकता है, बाकी अल्लाह ताला ने उसको इजाजत दी है कि फातु हर सकुम अन्ना शी तुम, कि औरतें तुम्हारी खेती है तो जैसा भी चाहो अपनी खेती में आना चाहो आओ। ये बड़ा एक रिश्ते को जो है ना इशारे में बहुत सारी चीजें डिफाइन कर दी गई हैं कि तुम्हारे आने का मकसद औलाद से औलाद का उसूल होना चाहिए, और जहां से औलाद का उसूल है वहीं पर हम बिस्तरी करो, लेकिन उसके लिए वक्त का भी लिहाज करो, और उन जगहों पर जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमाया है उन जगहों से हम बिस्तरी
मत करो, बाकी फिर अल्लाह की चीज है। और ये बड़ी बात है ना कि कायनात का खालिक अल्लाह है और अल्लाह ताला इजाजत दे रहा है, फातु हर सकुम अन्ना शेतुम, कि तुम अपनी खेतियों में जैसा आना चाहो वैसा हो, जिस तरीके से भी आना चाहो। यानी आप देखिए, हराम सिर्फ दो चीजें, बाकी उसके अलावा हर चीज हलाल है। यानी अल्लाह ताला ने खलबतों में इंसान को लज्जत के हुसूल पे कोई पाबंदी नहीं लगा दी। फातु हर सकुम अन्ना शेतुम, जैसा आना चाहो जो करना चाहो करो, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और अपने लिए अच्छी चीजें आगे भेज दो, यानी अपने लिए नेकी आगे भेज दो। अब ये कि मुसलमान, क्योंकि उसकी नजर आखिरत में होती है, तो अपनी बीवी से कुर्बत करते हुए भी वो आखिरत को नहीं भूलता, आखिरत उसके मद्देनजर होती है। तो यानी अब इसमें यानी इस इजाजत के फौरन बाद जो कहा कि अपने लिए नेकियां आगे भेज दो, इसमें एक बड़ी मानवीयत है कि भाई उस वक्त भी आपके जहन में आखिरत आपको नहीं भूल जानी है, अपनी आखिरत आपको याद रखनी है। इवन हम बिस्तरी में भी इंसान को अपनी आखिरत याद रखनी है। हमारे यहाँ सूफिया का एक तबका जो है ना, वो उसने जो गैर इस्लामी नजरिया जो इस्लाम के तसव्वुफ के रास्ते से इस्लाम में आ गए, उसमें से ये भी है कि जिमा को या बिस्तरी को बुरा समझना, और बहुत सारे सूफिया के बारे में इस तरह की जो है ना वो रिवायतें मनकूल हैं कि उन्होंने सुन्नत पर अमल करने के लिए निकाह तो कर लिया लेकिन अपनी बीवी से करीब नहीं गए। किसी के बारे में आता है कि वो 20 साल करीब नहीं गया, किसी के बारे में आता है 40 साल बीवी से करीब नहीं गया, और एक ही घर के अंदर रहे और एक कोना पकड़ के एक सूफी साहब इबादत करते रहे और दूसरा कोना पकड़ करके उनकी बीवी इबादत करती रही, कोई गुर्बत नहीं हुई। और यानी आपको सूफिया के यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी हिकायतें सूफियों के यहाँ मिल जाएंगी जो हम बिस्तरी को ऐब मानते थे। फिर आपको देखेंगे कि जो हमारे जो सलफ है, उलमा अहले इल्म, उन्होंने ऐसे सूफियों पर बहुत रद्द किया है। यानी बाकायदा इस तरह की रिवायतें सूफियों से मिलती हैं कि एक मरतबा हम बिस्तरी करने से इतना इतना दिन तक के दिल जो है वो सख्त हो जाता है वो, लेकिन उलमा ने इन पर बड़ा सख्त रद्द किया। बल्कि इमाम शाफी, इमाम इब्न कय्यिम का तो कौल मुझको याद आ रहा है कि हर चीज जो है वो इंसान के, दुनिया की लज्जत जो है वो इंसान के दिल को वो करती है, गंदा करती है, सिवाय जिमा के तो उससे इंसान का दिल साफ होता है। और भाई इब्न जोजी ने बाकायदा एक बात कही कि बाज मरतबा ऐसा होता है कि तुम्हारी कोई हमबिस्तरी वो लाखों सालों की इबादत पर भारी पड़ जाती, कि उस हमबिस्तरी की वजह से वो नस्ल पैदा होती है जो जिससे इमाम बुखारी पैदा हो जाए। हो सकता है तुम्हारी एक हमबिस्तरी से कोई बुखारी पैदा हो जाए, कोई मुस्लिम पैदा हो जाए, कोई तिरमिजी पैदा हो जाए, कोई इब्ने तैमिया पैदा हो जाए, कोई इब्न कय्यिम पैदा हो जाए। दुनिया में ये सारे लोग भी तो इसी अमल के नतीजे में वजूद में आए, तो हो सकता है कि तुम्हारी एक हमबिस्तरी जो है लाखों सालों की इबादत पे भारी पड़ जाए। तो यानी इस अमल में भी इंसान की नीयत ये होनी चाहिए कि मैं एक ऐसी औलाद की हुसूल चाहता हूं जो मेरे लिए दुनिया और आखिरत में भलाइयों का सबब बने, दुनिया में इताअत करे, फरमाबरदारी करे, मैं उसकी तरबियत करूं, उसको अपने लिए आखिरत का जखीरा बना करके जाऊं। तो औलाद जो है वो ना सिर्फ ये कि इंसान के लिए दुनिया में राहत का, सुकून का, इत्मीनान का बाइस है, बल्कि आखिरत में उसका मर्तबा कितना बड़ा करती है वो। आप सोचिए कि एक इंसान जो है वो सिर्फ अपनी औलाद की वजह से उसका मर्तबा कितना बड़ा होता है। हदीस के अंदर आता है कि एक आदमी के जन्नत में दर्जात बुलंद किए जाते हैं, और वो पूछता है कि मैंने इतना अमाल नहीं किए थे तो जन्नत में मेरा मकाम कैसे बुलंद हो रहा है। तो उससे कहा जाता है, इस्तिगफारी वलदी का लक, तेरा बेटा तेरे लिए इस्तिगफार कर रहा था, तेरे लिए मगफिरत की दुआ कर रहा था, उसकी वजह से जन्नत में तेरे दर्जात बुलंद हो रहे, वो इस्तिगफार की जा रहा है, जन्नत में तुम्हारे दर्जात बुलंद हो रहे। तो ये कि वो शरीयत जो है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह औलाद की कसरत ये शरीयत में बाकायदा एक मतलूब शय है, और अल्लाह ताला फरमा रहे कि कद्दीमुल अनफुसिकुम, यानी नेक औलाद पैदा करो ताकि वो तुम्हारे लिए आखिरत का जखीरा बने। इसके फौरन बाद जब कहा गया कि अपनी आखिरत के लिए आगे बढ़ाओ, मतलब क्या कि ऐसी औलाद पैदा करो जो तुम्हारे लिए आखिरत में तुम्हारी बरतरी का, तुम्हारी बुलंदी का सबब बने। आप सिर्फ सोचिए कि हम अपने बच्चों को एक सूरह फातिहा ही सिखा दें, अगर तो एक सूरह फातिहा सिखा देना हमारे लिए आखिरत में कितना बड़ा जखीरा बन जाता है कि हमारा बच्चा जिंदगी भर जब जब नमाज में सूरह फातिहा पढ़ रहा होता है, उसकी सूरह फातिहा पढ़ने की नेकी हमारी नेकी में काउंट हो रही होती है, कितना सवाब का काम ही है। तो शरीयत ये बता रही है कि क्योंकि इंसान का असल मकसद आखिरत होता है, तो वो दुनिया की लज्जतों में भी आखिरत को नहीं भूलता। ईमान वाला बंदा खाना भी खा रहा होता है तो ये सोचकर खा रहा होता है कि अल्लाह ने मेरे लिए हलाल किया है, मैं खा रहा हूं क्योंकि अपने जिस्म की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है, तो उसको सवाब मिलता है। वो खा रहा होता है तो ये सोचकर खा रहा है इसे ताकत मिलेगी तो मैं इंशाअल्लाह ताला उस ताकत को अल्लाह की इताअत में और इबादत में सर्व करूंगा तो उसका सवाब मिलता है। तो अपनी बीवी से कुर्बत भी करता है तो वो ये सोच रहा होता है कि इससे जो नस्ल पैदा होगी मैं उसको इंशाअल्लाह ताला अपनी आखिरत का जखीरा बनाऊंगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इजाफे का सबब मेरी नस्ल बनेगी। हाँ, तो आप सोचिए, अब ये आयत जो है ना, वो हमारे यहाँ एक नस्ल कंट्रोल करने और फैमिली प्लानिंग का जो एक मिजाज मुसलमानों में आमतौर पर बन गया है,
उसको भी देखिए कैसा नफी कर दे। किसी किसान से कभी ये कहा जाता है कि अनाज तो खूब, बीज तो खूब डालो, लेकिन तुम्हारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि खेत कम से कम, जो अनाज कम से कम हो, बीज खूब डालो पर अनाज कम से कम हो। कभी खेती करने वाला है तो नहीं सोचता है ना कि बीज तो मैं बहुत डालूंगा लेकिन अनाज कम होना चाहिए। जैसे किसान जो है वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा अनाज हो, वैसे इंसान को सोचना चाहिए कि उसकी ज्यादा से ज्यादा औलाद हो। अल्लाह ने फरमाया कि तज़व्वुजुल वदूद अल वलूद फ इन्नी मुकाज़िरुम बिकुम अल उमम, ज्यादा मोहब्बत करने वाली और ज्यादा बच्चे देने वाली औरतों से शादी करो जिनके बच्चे ज्यादा होते हों। क्यों? फ इन्नी मुकाज़िरुम बिकुम अल उमम, क्योंकि कयामत के दिन तुम्हारी कसरत पे मैं फख्र करूंगा कि मेरी उम्मत सबसे ज्यादा कसीर तादाद में होगी। तो ईमान वाले बंदे को सोचना चाहिए, मेरे रसूल की चाहत है कि उनकी उम्मत ज्यादा हो, मैं उसमें जितना कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं करूं, मैं जितना ज्यादा बच्चे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इजाफे के लिए जितना ज्यादा बच्चे पैदा कर सकता हूं मैं करूं। इधर मिजाज होना चाहिए, हाँ, कि यानी हमारे यहाँ जो मिजाज बन गया, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, हम दो हमारे दो, ये तो शरीयत का मिजाज नहीं। शरीयत चाहती है बच्चे ज्यादा हों, और ये बच्चे हमारे लिए दुनिया में तो राहत का सामान बनते ही है, दुनिया में हमारा सहारा होती है। मेरे ख्याल से इंसान की जिंदगी में इससे खूबसूरत और कोई लम्हा ही नहीं होता जब उसके बच्चे उसकी गोद में होते हैं। तो दुनिया में तो जो राहत और सुकून अल्लाह ने औलाद में रखी वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा इनसे आखिरत में मिलने वाला है इंशाल्लाह ताला, अगर इनकी सही तरबियत कर सके हम तो। तो ये औलाद की हुसूल की भी नीयत क्या होनी चाहिए, महज दुनिया में उसका कोई फायदा उठाना मकसूद नहीं होना चाहिए। औलाद भी जो हासिल करनी हो, क्यों हासिल करनी है, कद्दिमू लि अनफुसिकुम, ताकि इस औलाद की तरबियत के जरिए से हम आखिरत में अपना जखीरा बना सकें, उसकी तरबियत करके एक अच्छा अपनी कौम को, अपनी अल्लाह के नबी की उम्मत को एक अच्छा इंसान फराहम कर सकें, एक दाई पेश कर सकें, एक मुबल्लिग पेश कर सकें, कौम की खिदमत करने वाला पेश कर सकें, दीन की नशर व इशात करने वाली औलाद पेश कर सकें। ये मिजाज ज़हन होना चाहिए। तो फरमाए वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, अपने लिए खैर का काम आगे बढ़ाओ, सिर्फ दुनिया की लज्जतों तक के महदूद ना रह जाओ, लज्जतों के हुसूल में भी तुम्हारी सोच आला होनी चाहिए। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरो, यानी वैसे तो उमूमी तौर पे अल्लाह ताला से डरने का हुक्म आया है, पर इन मामलात में भी अल्लाह ताला से डरते रहो। यानी वहां जो एक बहुत प्राइवेट मामला होता है जहां इंसान को पता है कि उसके और उसकी बीवी के अलावा कोई देखने वाला नहीं है, वहां पर भी इंसान अल्लाह ताला की हुदूद से आजाद नहीं हो जाए, जैसे वहां पर पाबंदियां है ना कुछ, तो उन पाबंदियों का वहां पर भी लिहाज करना है। इंसान का असल इम्तिहान वही होता है कि वो आलम गैब में अल्लाह से डर रहा है कि नहीं डर रहा। सारे लोग हाजिर हैं तब तो अल्लाह से डरते हो, लेकिन जब बीवी के साथ हो तो भी अल्लाह का खौफ से, अल्लाह के खौफ से आजाद मत हो जाओ। ये भी तकवा है, ये भी मतलूब है कि इंसान जो है वो उन मामलात में भी अल्लाह का खौफ करे और अल्लाह से डरता रहे, और अल्लाह ने जो उसके लिए हलाल और हराम के हुदूद रखे हैं उन हुदूद से तजावुज ना करे। वत्तकुल्लाह वालमु अन्नकुम मुलाकुहु, और जान लो कि तुम अल्लाह से मिलने वाले हो। यानी कोई खौफ रिश्तों में जो है ना सुधार उतना नहीं ला सकता जितना अल्लाह से मुलाकात का हो। यानी बाज मरतबा शौहर अपनी बीवी के मामले में या बीवी अपने शौहर के मामले में अल्लाह ताला की तय करदा हुदूद से आजाद हो जाते हैं, औरत जो है वो अपने शौहर को ईजा पहुंचा रही है या शौहर जो है अपनी औरत को ईजा पहुंचा रहा है, क्योंकि उसको खौफ नहीं है। आदमी अपने ससुराल वालों से नहीं डर रहा, उसको पता है कि बीवी बेचारी मजबूर है, भाग करके कहाँ जाएगी, अपने घर वालों से शिकायत नहीं कर सकती, या कोई उसका नहीं है, उसका कोई हो या ना हो उसका अल्लाह है, और उससे अल्लाह के यहाँ पे पहुंच करके तुमको जवाब देना है। अपनी बीवियों के बारे में भी तुमको अल्लाह के जवाब देना है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही, तुम में से हर कोई जिम्मेदार है और हर किसी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किए जाने वाला है। तो आदमी अपने घर वालों पर जिम्मेदार है, उससे कयामत के दिन उसके घर वालों के बारे में सवाल होने वाले हैं। खुतबे निकाह में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तीनों आयतें तकवे वाली पढ़ते थे ना, कि भाई तुम हो सकता है ससुराल वालों से ना डरो, सास ससुर से ना डरो, सालों तुम्हारे साले ताकतवर ना उनसे ना डरो, लेकिन वो सिर्फ अपने बाप की बेटी, अपने माँ की बेटी और अपने भाइयों की बहन नहीं, तुम्हारी बीवी अल्लाह की बंदी भी है। तो अगर उस पर कोई जुल्म करोगे अल्लाह के यहाँ, इसलिए जवाब देना पड़ेगा क्योंकि वो अल्लाह की बंदी। इसलिए देखो हदीस जो है उसमें अल्लाह ने बड़ी प्यारी ताबीर कही ना, कि अल्लाह ने फरमाया कि अपनी बीवियों को मत मारो, फरमाया ला तज़रिबू इमा अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को मत मारो, मतलब वो अल्लाह की बंदियां हैं, उन पे अगर जुल्म करोगे अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होना पड़ेगा, अल्लाह तुमसे सवाल करेगा उसके बारे में। तो अल्लाह की बंदियां हैं, उनसे डरो, उनके उनके मामले में अल्लाह ताला से डरो, और जान लो हो सकता है दुनिया में तुम बच जाओ, दुनिया में बीवी के साथ जो बदसलूकी अकेले में कर रहे हो सकता है कि वो किसी से शिकायत ना करें या तुमको किसी की शिकायत का खौफ ना हो, हो सकता है कोई तुम इतना ताकतवर हो कि कोई तुम्हारी पकड़ ना कर सकता हो, पर अल्लाह से तो तुमको मिलना ही है, उसके यहाँ तो अपने अमाल की जवाबदेही करना ही। और यही मामला औरत के लिए भी है, औरत को भी सोचना चाहिए कि बाज मरतबा उस पर कोई दबाव नहीं होता सास ससुर का, बाज मरतबा शोहर बेचारा इतना सीधा साधा होता है कि वो जो है वो कोई
उंगली भी नहीं उठा सकता उस पर। और उस मामले में फिर बीवी आजाद हो जाती है, उसको इतना नफसियाती टॉर्चर करती है, इतनी तकलीफें देती है, कोई बेचारा नहीं। और अल्लाह के नबी की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन चीजों से पनाह मांगते थे उसमें से क्या था, मिन ज़ौजिन तुशय्यिबुनी क़ब्ल अल-मशीबी, कि मैं ऐसी बीवी से तेरी पनाह चाहता हूँ अल्लाह जो मुझे बुढ़ापे से पहले बूढ़ा कर दे। यानी बाज़ मरतबा औरत हो, यानी हमारे यहाँ हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस में औरतें इतना मारती ना हो शौहरों को, हालांकि हिंदुस्तान इस मामले में और सारी कंट्रीज के से ज्यादा जो है ना वो आगे है, जहाँ बीवियां जो है वो शौहरों की भी पिटाई करती हैं। पर हो सकता है कि डोमेस्टिक वायलेंस में शौहर जिस तरह से मारता है बीवियां उस तरह से मारती ना हो, पर जो एक नफ्सियाती और एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर होता है लोगों का, क्योंकि ऐसे केसेस हमारे पास आते रहे, बाज मरतबा वो जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है मारपीट का, उससे ज्यादा खतरनाक होता है। इतना उसको नफ्सियाती तौर पे ऐसे बीमार बना देती है, और इतना उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको इतना दबा करके कुचल करके, बेचारा वो ऐसा मजलूम होता है, सीधे साधे लोग जो होते हैं कि वो बेचारे मतलब जिंदगी उनकी तबाह कर देती है। एक बुरी बीवी इंसान की जिंदगी तबाह करने के लिए काफी है। तो हो सकता है कि तुम अपने शोहर को टॉर्चर करो, परेशान करो, उस पर दबाव डालो, उसको एक नफ्सियाती तकलीफें पहुंचाओ, हो सकता है दुनिया में बच जाओ लेकिन आखिरत में नहीं बच पाओगे। अन्नकुम मुलाकू, रिश्तों के मामले में हमेशा याद रखो कि तुमको अल्लाह से जाकर के मिलना है। वबशिरिल मोमिनीन, और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दो, ईमान वालों को बता दो कि अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत रखी है, राहतें रखी हैं, सुकून रखा है। तो ईमान, देखिए यहाँ पे ईमान की बात हो रही है, रिश्तों में ईमान की बात आ गई, क्योंकि एक बंदे का ईमान जो है ना, हमारे यहाँ ईमान हम सिर्फ अकीदे और इबादत से जोड़ करके देखते हैं। भाई ईमान हमको सिर्फ एक नमाजी या रोजेदार या हाजी या उमरा करने वाला नहीं बनाता। ईमान हमारी किरदार के हर हर पहलू को संवारता है। एक बंदा ईमान वाला है तो नमाज भी पढ़ेगा, रोजे भी रखेगा, इबादत के भी काम करेगा, पर ईमान वाला है तो उसका सुलूक अपनी बीवी के साथ भी अच्छा होना चाहिए। मोमिन का सुलूक अपनी बीवी के साथ उसके ईमान को दर्शाता है, ईमान उसका एक उसको एक अच्छा शौहर भी बनाता है, एक औरत को एक फरमाबरदार बीवी भी बनाता है, एक बेटे को फरमाबरदार भी बनाता है। ईमान एक पड़ोसी को अच्छा पड़ोसी बनाता है, एक ताजिर को ईमानदार ताजिर बनाता है, एक सियासतदान को आदिल सियासतदान बनाता है। तो ईमान कोई जामिद चीज नहीं है कि बस वो आपकी जबान से ही पता चलेगा आप ईमान वाले की नहीं है। ईमान का नूर आपके किरदार में चमकना चाहिए, आपके रवैये और सुलूक से दिखना चाहिए कि आप ईमान वाले। तो देखिए बात हो रही है पूरी रिश्तों की और उसमें बात आ गई ईमान की, बात हो रही है बीवियों के साथ सुलूक की और उसमें बात आ गई ईमान की, कि ईमान अगर है तो आपका अपनी बीवियों के साथ सुलूक भी अच्छा हो जाना चाहिए। और अगर है वो सुलूक आपके रवैये में और किरदार में दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि फिर ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए खुशखबरी है। तो आयत नंबर 223 फरमाया आगे, वला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम अन तबर्रू वतत्तकू वतुस्लिहू बैनन्नास वल्लाहु समीउन अलीम। फरमाया वला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम, अल्लाह ताला को अपनी कस्मों का निशाना न बनाओ। अन तबर्रू वतत्तकू वतुस्लिहू बैनन्नास, इस बात को लेकर के कि अब तुम कोई नेकी का काम नहीं करोगे, तकवे का काम नहीं करोगे, और लोगों के दरमियान इसलाह का काम नहीं करोगे। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। अब यहाँ आगे कस्मों की बात आने वाली है, खास तौर पे औरतों से मुतालिक जो कस्में खा ली जाती हैं, कि बाद मरतबा मर्द हजरात जमाने जाहिलियत में कसम खा लेते थे कि औरत को तलाक भी नहीं देते और कसम खा लेते कि मैं कसम खा करके कहता हूँ कि अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊंगा। तो उन कस्मों की बात आने वाली है, इसलिए पहले एक बात उसूली तौर पर बयान की गई, वला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम, कि अल्लाह को अपनी कस्मों का निशाना मत बनाओ। अन तबर्रू, कि तुम अब नेकी नहीं करोगे, वतत्तकू, कोई तकवे का काम नहीं करोगे, वतुस्लिहू बैनन्नास, और लोगों के दरमियान इस्लाह नहीं करोगे। कसम के बारे में एक बात बताई जा रही कि भाई नेकी का कोई काम करना है तो कसम खा करके उस नेकी के काम से रुकने की कसमें मत खाओ। अल्लाह को अपनी कसमों का निशाना बनाने का मतलब आदमी कसम खा ले कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, मैं फला नेकी का काम नहीं करूंगा, या फला तकवे का काम नहीं करूंगा, या फला लोगों के दरमियान इस्लाह का काम नहीं करूंगा, तो इससे रोका जा रहा है। उर्जा का असल मतलब होता है आड़ बनाना, तो अल्लाह की कसम को आड़ मत बना लो नेकी के कामों के लिए, कि आदमी कोई ये कसम ना खाए कि मैं फला नेकी का काम नहीं करूंगा। भाई अगर जाहिर सी बात है, अगर किसी वाजिब चीज को से रुकने के लिए कसम खा ली, मसलन किसी ने कसम खा ली कि अल्लाह की कसम मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, तो उस पर वाजिब है कि वो उस कसम को तोड़े और नमाज पढ़े। किसी ने कसम खा ली कि अल्लाह की कसम मैं रोजे नहीं रखूंगा, तो उस पर वाजिब है कि वो अपनी कसम को तोड़े और रोजे रखे। किसी ने कसम खा ली कि अल्लाह की कसम बावजूद इस्तेताअत के मैं हज नहीं करूंगा, और उसके अंदर इस्तेताअत आ गई है, तो वो कसम खाए, कसम को तोड़े, उसका कफारा अदा करे, और उसके बाद क्या करे, वो हज करे। तो जो चीजें वाजिब हैं उनमें भी, और जो भी नेकी के काम है
अगर उसमें कसम खा करके अपनी कसम को जो है ना वो आड़ ना बलानी नेकी का काम करने के लिए। ये जमाने जाहिलियत में बहुत होता था कि आदमी को कोई नेकी का हुक्म दिया जाता तो वो कहता मैंने तो कसम खा ली कि मैं फला नेकी का काम नहीं करूंगा। तो इसलिए हमारी शरीयत ने कहा है, हमारी देखिए कसम बहुत सारी होती है, अभी इंशाल्लाह तआला आगे और भी कसम की बात आएगी। तो एक कसम ये जो जिस कसम की बात हो रही कि आदमी कसम खा करके मुस्तकबिल में जो एक बात कहता है कि मैं फला काम करूंगा कसम से, या फला काम नहीं करूंगा और कसम खा लेता तो उस पर अल्लाह की, तो उन कसमों के बारे में हो रहा है कि अगर कोई नेकी का काम है तो उसके बारे में कसम मत खाओ, अल्लाह की कसम को नेकी के और कामों और अपने दरमियान आड़ मत बनाओ। उर्जा का मतलब होता है आड़, हम कहते हैं ना कि आर्जा लाहिक हो गया या फला चीज जो है वो आरिज हो गई, इस वजह से हम काम नहीं कर पाए। तो आर्जा कहते हैं आड़ को, कोई मुश्किल को, कोई परेशानी को। तो मतलब अल्लाह की कसम को अपने और नेकी के दरमियान आड़ मत बना लो कि तुमने नेकी का काम करने के लिए कसम खा ली है, मैं अल्लाह की कसम नेकी का काम नहीं करूंगा। तो एक माना तो ये, तो ये जो माना हमने किया इसमें हम ये कहते हैं कि अन के बाद ला जो है वो महजूफ है। आप देखेंगे ना, इसलिए जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बाज मरतबा करते हैं और वो बलागत के बाज पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं, तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन अगर आप करें तो कैसे होगा कि अल्लाह की कसमों को, अल्लाह ताला को अपनी कसमों के लिए आड़ मत बनाओ इस बात पर कि तुम नेकी करोगे और तकवा इख्तियार करोगे और लोगों के दरमियान इसलाह करोगे। तो यहाँ पे अन के बाद ला महजूफ है, यानी इस बात की कसम मत खाओ कि तुम नेकी नहीं करोगे, तकवे का काम नहीं करोगे, लोगों के दरमियान इसलाह का काम नहीं करोगे, इस पर अल्लाह की कसमें मत खाओ। एक माना ये, और बाज़ उलमा ने कहा कि यहाँ पे माना ये है कि अगर ये एक बात पर भी कसम मत खाओ, अगर नेकी करना ही है तो कर लो, पर बार बार उस पर कसमें मत खाओ, अल्लाह की कसम को बार बार जबान पर जो है ना वो आड़ मत बना लो कि हर नेकी के काम पे अल्लाह की कसम खा लो। तुम वैसे ही नेकी का काम कर, नमाजें पढ़ना है पढ़ो, बार बार कसम खा करके बोला कि मैं नमाज पढ़ूंगा ये जरूरी नहीं है, रोजे रखना है रखो पर कसम खा करके मैं रोजे रखूंगा जरूरी नहीं, जो भी इताअत के काम है वो करो पर उस पर बहुत ज्यादा कसमें मत खाओ। एक माना ये, लेकिन ज्यादातर मुफस्सिरीन ने कहा है कि यहाँ पे अन के बाद ला महजूफ है, यानी किसी नेकी के काम करने पर ये कसम मत खाओ कि अल्लाह की कसम मैं फला नेकी का काम नहीं करूंगा, फला तकवे का काम नहीं करूंगा, फला लोगों के दरमियान इसलाह नहीं करूंगा। तो यहाँ पे तीन बातें कही गई और शेख इब्ने उसैमीन ने बड़ा प्यारी बात कही है कि अलबिर से मुराद क्या है, वो सारे नेकी के काम जिनमें अल्लाह की इताअत करनी होती है। तो नेकी का काम जैसे नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, हज करना है, ये सारे नेकी के काम है, वो सारे नेकी के काम आ गए, कि ऐसा किसी नेकी के काम में अल्लाह की कसम खा करके उससे ना करने का एक अहद मत करो। और तकवा से मुराद बुरे कामों से बचना है, अलबिर से मुराद फेलुल खैरात है और तकवा से मुराद इज्तनाबु शुरूर है, कि जो गुनाह के काम से बचना है उन पर भी अल्लाह की कसम मत खाओ कि मैं नहीं बचूंगा, जैसे मैं झूठ बोलूंगा इस पर अल्लाह की कसम मत खाओ कि मैं झूठ से नहीं बचूंगा या सूद से नहीं बचूंगा या जिना से नहीं बचूंगा, इस पर अल्लाह की कसम मत खाओ। और तुस्लिहु बैन अन्नास, और लोगों के दरमियान इस्लाह का काम नहीं करूंगा, ये कसम इस्लाह बैन अन्नास यानी दो लोगों के दरमियान तनाजा हो गया है और उनके दरमियान इस्लाह करा देना, ये भी बड़ी नेकी का काम है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बार बार इस बात की वसीयत की है, अल्लाह के नबी ने एक मरतबा हजरत अब्दुलरहमान इब्ने समूरा से कहा ला तसअलिल इमारा, कि हुकूमत को तलब मत करो, इमारत को तलब मत करो, फइन्नका इन उतीताहा अन मसअलतिन, अगर तुमको बगैर मांग, अगर तुमको मांग करके दी जाए यानी तुमने मांगा था और मांगने की वजह से तुमको इमारत मिल गई है, हुकूमत मिल गई है, ओहदा और मनसब मिल गया है, तो तुमको उसके हवाले कर दिया, मैं उस पर ना तुम्हारी मदद नहीं करता, वह इन उतीतहा मिन गैरी मसअलतिन, अगर बगैर मांगे तुमको हुकूमत मिल गई है, वह इन तालीहा, तो तुमको उस पर मदद की जाती है, यानी अल्लाह के नबी ने अब्दुलरहमान इब्ने समरा से कहा हुकूमत मांगो मत, मांग करके मिलेगी तो तुमको उसके हवाले कर दिया जाएगा, मदद नहीं होगी तुम्हारी, बगैर मांगे मिल जाएगी तो अल्लाह उस पर तुम्हारी मदद करेगा। वइज़ा हलफ्ता अला यमीनिन, और अगर कोई कसम खा लो, फराइता गैरहा खैरम मिनहा, और तुम ये देखो कि उसके अलावा कोई चीज है जो उससे बेहतर है, एक बात पर तुमने कसम खा ली फिर तुमको ये समझ में आ रहा है कि हाँ इससे अच्छा तो ये काम है, वकफ्फिर अन यमीनिक, तो अपनी कसम पर डटे मत रहो बल्कि अपनी कसम का कफारा अता करो, वअतिल्लज़ी हुवा खैर, और ऐसा काम करो जिसमें खैर। अल्लाह के नबी सल्लम खुद भी अपने बारे में फरमाते हैं कि अगर मैं कोई कसम खा लेता हूं और मुझे ये लगता है कि नहीं इससे बेहतर तो ये काम है, तो मैं बेहतर काम को इस वजह से नहीं छोड़ता हूँ क्योंकि मैंने कसम खाई भी है, बल्कि मैं कसम का कफारा अदा करता हूँ और वो जो काम बेहतर था वो कर लेता हूँ, हमारी शरीयत ने हमारे लिए ही रखा है। मसलन बहुत मशहूर वाकया है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का, कि हजरत अबू बकर की बेटी हजरत आयशा पे जब इल्जाम लगा, तोहमत लगाई मुनाफिकीन ने, और वाकई इफ के मौके पर बहुत प्रोपेगेंडा किया, यहाँ तक कि उस प्रोपेगेंडे का शिकार बाद सहाबा हो गए, उन्हीं में से एक थे हजरत मिस्ता बिन उसासा, मिस्ता बिन उसासा बदरी सहाबी थे, बड़ा मकाम था उनका, और हजरत आयशा के रिश्तेदार भी थे, यानी उनकी जो वालिदा थी वो गालिबन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खालाजाद बहन थी।
ना सिर्फ ये कि मिस्ता बिन उसासा हजरत अबू बकर के रिश्तेदार थे, बल्कि हजरत मिस्ता बिन उसासा के घर का खर्च हजरत अबू बकर चलाते थे, उनका नानो नफका हजरत अबू बकर पूरा करते थे, उनके घर पे राशन हजरत अबू बकर भिजवाते थे। पर जब मुनाफिकीन ने हजरत आयशा के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया तो उस प्रोपेगेंडे का शिकार बाद साहबा भी, उसमें से हजरत मिस्ता बिन उसासा भी थे, वो भी हजरत आयशा पर इल्जाम लगाने वालों में शामिल हो गए। फिर हजरत आयशा की बरात नाजिल हुई और जो इल्जाम लगाने वाले थे उनको सजाएं दी गई। तो अब हजरत अबू बकर को गुस्सा था भाई कि मेरा रिश्तेदार हो करके, और ना सिर्फ रिश्तेदार बल्कि मैं तो इसके घर का खर्चा संभाल रहा था, और इसने जो है वो मेरे ही खिलाफ, मेरी ही बेटी के खिलाफ साजिश करने वालों में शामिल हो गया। तो उन्होंने कसम खा ली हजरत अबू बकर ने कि आज के बाद से मिस्ता बिन उसासा के घर का खर्चा पानी बंद, अब मेरे घर से उनके घर पे राशन नहीं जाएगा, मैं उनका खर्चा नहीं उठाऊंगा, कसम खा ली उन्होंने। उस पर अल्लाह ने कुरान की आयतें नाजिल फरमाई, फरमाया वला यातली उलुल फजल मिनकुम वसा अय्यु तु उलिल कुरबा वल मसाकिन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह, कि जिनको अल्लाह ताला ने अपने फजल से नवाजा है और कुशादगी से नवाजा है वो कसम ना खाएं, यातली यानी कसम ना खाएं, किस बात पर, अय्यु तु उलिल कुरबा, की वो रिश्तेदारों को देंगे, वल मसाकिन और मसाकिन को देंगे, वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह और अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वालों को देंगे, यानी इनको नहीं देने की कसम ना खा लें। वलियाफू, तो तुम नजरअंदाज करो और माफ फरमा दो, अल्लाह तुहिब्बुना अन यग़फिर अल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुमको माफ फरमा दे, वल्लाहु गफूरु रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाले। तो जब यह आयत नाजिल हुई तो हजरत अबू बकर ने कहा मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, तो उन्होंने फिर हजरत मिस्ता बिन उसासा को माफ कर दिया और दोबारा उनके घर का राशन भेजना, नानो नफका उठाना शुरू कर दिया और अपनी कसम का कफारा अदा किया। तो अगर कोई किसी नेकी पर कसम खा ले, या दही अगर किसी वाजिब चीज पर कसम खा लिया है कि फला काम नहीं करूंगा, तो उस पर वाजिब ही उसको छोड़ दे, और अगर किसी हराम पर कसम खा ली कि फला अल्लाह की कसम फला हराम काम करूंगा, तब तो वाजिब है कि उस हराम काम को छोड़े और कसम का कफारा अदा करे। और अगर किसी जो है वो ऐसी चीज पर कसम खाए जो जायज है, लेकिन उसको दिख रहा है कि हाँ इस जायज में भी इससे बेहतर ये जायज है, नहीं दो जायज टकरा रहे हैं, एक जायज पर कसम खा लिया लेकिन अब दिख रहा है कि इससे ज्यादा बेहतर ये जायज है, तो उस पर भी ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई ऐसी चीज पर कसम खा ली जो जायज है लेकिन तुमको उसमें भलाई दिख रही है, तो अपनी कसम का कफारा अदा करो और वो जायज काम जो है वो छोड़ दो, वो जायज काम करो, वो काम जिसमें अल्लाह ने खैर रखा है। अल्लाह के नबी की एक और बड़ी सारी हदीस है, बुखारी की रिवायत है, वल्लाही ला यलिज्जुहुकुम बियमीनिही फी अहलिही सुम्मा अहली आसिमुन लहु इंदल्लाही मिन अन युतिया कफारतहु अल्लती इफ्तरद अल्लाहु अलैहि, कि बसा औकात आदमी को क्या होता है अपने घर में किसी के मामले में कसम खा ली है और वो अब वो कसम नहीं तोड़ रहा है, और घर में किसी के साथ ताल्लुकात मान लीजिए खराब करके रहा है, कसम खा ली कि फला भाई से बात नहीं करूंगा, कसम खा ली है बीवी से बात नहीं करूंगा, कसम खा ली है कि फला को खर्चा नहीं दूंगा, अब वो कसम जो खा लिया है, कसम अगर तोड़ेगा तो गुनाह है, उस पर कफारा देना है। पर अल्लाह ने बताया कि उसका कसम तोड़ करके कफारा देने में उतना गुनहगार नहीं होता जितना गुनहगार वो अपने घर वालों में जो कसम खा करके उनके हकूक नहीं दे रहा उसमें हो जा रहा है। भाई किसी आदमी ने कसम खा ली मैं अपनी बीवी का ना खर्चा नहीं दूंगा, अब खर्चा नहीं देने की वजह से जो गुनहगार हो रहा है, कसम तोड़ने पर उतना गुनहगार नहीं होता वो, इससे बेहतर है कि वो खर्चा दे, कसम तोड़ करके कफारा अदा कर ले, तब वो उतना गुनहगार नहीं होगा। आफिमुन का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कि आफिमुन लहू इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ बाज मरतबा वो कफारा देने पर उतना गुनहगार नहीं होता जितना गुनहगार अपनी कसम पे डटे रहने पर होता है, कि कसम खा ली है कि बीवी को बतन कसम खा ली भाई से बात नहीं करूंगा, अब वो कसम नहीं तोड़ रहा और भाई से बात भी नहीं कर रहा, तो भाई से कतर ताल्लुक ही पर जितना गुनाह मिल रहा है, कसम तोड़ने पर उतना, कसम तोड़ना गुनाह की बात है, इसलिए उस पर कफारा कहा गया, तौबा की गई, तो कफारा दे दे उस पर उतना गुनहगार नहीं होगा वो जितना गुनहगार भाई से अपनी बातचीत बंद करने पर गुनहगार हो रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा मसला है जिससे जो जो है हम किसी के हकूक में कमी कर रहे हैं, तो बेहतर है कि हम जो है वो अपने हकूक अदा करें, अपने अहल वयाल के साथ अच्छा सलूक करें, जिनको देने से रोक दिया है उनको दे, और बदले में कसम का जो कफारा है, यानी अल्लाह ताला ने कसम का कफारा इससे पहली वाली दुरूस में बयान हुआ है, अल्लाह ताला ने बताया कि कसम का क्या कफारा है कि 10 मिसकिनों को खाना खिलाना या कपड़े पहनाना या जो है वो एक गुलाम आजाद करना, और ये सब ना कर सके तो 3 दिन के रोजे रखना। अल्लाह ने फरमाया कफारतु इत्आमु अशरति मसाकिन, कि कसम का कफारा क्या है, 10 मिसकिनों को खाना खिलाना, मिन औसती मा तो तिमुन, औसत खाना जो हम खाते हैं, और किस्वतुहुम, या उनको कपड़े पहनाना, और तहरीर रकबा, या एक गुलाम आजाद करना। तो ये तीनों में से कोई एक काम कर सकता है, या तो 10 मिसकिनों को खाना खिला दे, या तो उनको कपड़े पहना दे, या एक गुलाम आजाद कर दे। फमल्लम यजीद, इन तीनों में तो ऑप्शन है, लेकिन अगर ये तीनों नहीं कर पाए तो उसके लिए क्या है कि वो 3 दिन के रोजे रख ले। 3 दिन के रोजों की इजाजत जब ये 3 काम ना कर सकता हो, इन 3 में से तो ऑप्शन है,
पर ये ऑप्शन कब खुलेगा? जब इन तीन में से कोई एक काम ना कर पाए। पहला काम क्या है? 10 मिस्किन अशरत इतआमु अशरति मसाकिन, 10 मिस्किनों को खाना खिलाना, और किस्वतुहुम या उनको कपड़े पहनाना, और तहरीर रकबा या गुलाम आजाद करना। अगर इन तीनों में से कोई एक काम कर सकता है तो 3 रोजे रखना काफी नहीं होगा, लेकिन अगर इन तीनों में से कोई काम नहीं कर सकता है तो उसको इजाजत है कि वो 3 3 रोजे रख ले। तो अगर कोई ऐसा कसम खा ली है जिस कसम की वजह से जो है वो खैर के काम से वो रुका हुआ है, तो वो खैर का काम कर ले और कसम का कफारा अदा कर। अच्छा, इस आयत से एक बात ये भी बता चली कि नेकी के कामों में बहुत बड़ी नेकी क्या है? तो सुलहु बैनन्नास, लोगों के दरमियान इसलाह करना, ये भी बहुत बड़ा नेकी का काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया, हज़रत अबू दर्दा रिवायत करते हैं, कहते हैं अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह अखबिरुकुम बि अफ़ज़ल मिन दरजति सियाम वस्सलात वस्सदका, क्या मैं तुमको बताऊं ऐसी नेकी जो रोजे से भी बड़ी नेकी है, नमाज से भी बड़ी नेकी है, सदक़े से भी बड़ी नेकी है। कालू बला, तो सहाबे किराम ने कहा बिल्कुल अल्लाह के रसूल आप बताएं हमको, क्यों नहीं बताएं? तो फरमाया लगे में सलाहु ज़ातिल बैनी फ़इन्ना फ़साद ज़ातिल बैनी ही अल्हालिका। तो लगे में फरमाया कि आपस में लोगों के दरमियान इस्लाह करना, क्योंकि लोगों के दरमियान जो फसाद होता है ही अल्हालिका, वो क्या है? वो मूंद देने वाला है। और आगे की हदीस के अल्फाज हैं कि ही अल्हालिका ला अकुलु तहलिकुश्शार वलाकिन तहलिकुद्दीन, कि मैं नहीं कहता कि ये जो है वो दीन सर को मूंड देती है बल्कि दीन को मूंड देती है। हाँ, हालिका का मतलब होता है मूंड देने वाली, तो ये सिर्फ दीन को मूंड, ये दीन को मूंड देती है, सर यानी मूंडना यानी जो टकला करना हम बोलते हैं, तो ये दीन को मूंड देती है, यानी जो आपस के जो इख्तिलाफात होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, उससे क्या होता है? दीन खत्म हो जाता है लोगों का। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि वैसे तो वो बहुत दीनदार होते हैं, लेकिन जब किसी से लड़ाई पर आते हैं तो सारा दीन उनका चला जाता है, इख्तिलाफात और आपसी तनाजात की वजह से दीन से हाथ धो बैठते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया रोजे और नमाज और सदके से भी ज्यादा बड़ी नेकी क्या है? लोगों के दरमियान इसलाह कराना। तो फरमाया कि अगर किसी को ये कसम ना खाए कि मैं लोगों के दरमियान इसलाह नहीं करूंगा, तुसलिहु बैनन्नास, लोगों के दरमियान इसलाह ना करने की कसम ना खा ले। अच्छा, ऐसे नेकी कहा था ना, नेकी में इसलाह बैनन्नास भी शामिल था, क्योंकि ये भी ऐसी बात है, नेकी का काम है। इसको अलग से जिक्र करने का मकसद क्या है, इसकी अहमियत हम इससे पहले भी तफसीर के कई क्लास में बता चुके हैं कि एक तबलागत का एक जो तरीका होता है क्या कि जिक्रुल खास बादल आम, आम चीज के बाद खास चीज का जिक्र करना। जैसे बताया तनज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते आएंगे और हज़रत जिब्रील भी नाजिल होंगे, तो हज़रत जिब्रील फरिश्तों में शामिल थे, पर हज़रत जिब्रील की अहमियत की वजह से फरिश्तों से अलग उनका जिक्र किया गया। तो ऐसे ही इस्लाह बैना कुरान मजीद के कहे थे कि मसानी वल कुरान लजीम, अल्लाह ने 7 आयतें नाजिल की और कुरान नाजिल किया, तो कुरान में 7 आयतें यानी सूरह फातिहा की आयतें भी शामिल है, पर उनको अलग से जिक्र किया गया उनकी अहमियत की वजह से। तो इस्लाह बैनन्नास, लोगों के दरमियान सुलह कराना, कि इतना नेकी का काम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने कुरान मजीद में नेकी का काम के साथ अलग से स्पेशल उसका जिक्र कर दिया। स्पेशल जिक्र करने का मकसद क्या है? ताकि इसकी अहमियत समझ में आए कि लोगों के दरमियान, दो भाई हैं आपस में बातचीत बंद है, उनके दरमियान सुलह करा दो, दो बहनें बातचीत बंद है उनके दरमियान सुलह करा दो, बाप बेटे के दरमियान बातचीत बंद है, भाई बहन के दरमियान बातचीत बंद है, सुलह कराना ये बहुत नेकी का काम है। अल्लाह के नबी सल्लम जो बहुत सारे नेकी के काम करते थे, अल्लाह की सुन्नत उसमें से की भी थी, लोगों के दरमियान सुलह कराना, आपस में दो लोगों की बातचीत बंद है, ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं, हत्ता कि हमारी शरीयत ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर सुलह कराने में कहीं पर झूठ बोलने की भी जरूरत पेश आ जाए तो अल्लाह ताला उस झूठ पर तुमको गुनाह नहीं देगा, उस पर तुम्हारी पकड़ नहीं करेगा। अल्लाह के नबी ने हदीस के अंदर फरमाया कि जो सुलह कराने वाला होता है वो झूठा नहीं होता है। मतलब अगर सुलह कराते हुए झूठ भी बोल दे, दो भाइयों में बातचीत बंद है और आप जाकर के बोल दे अरे भाई तुम क्यों उससे बातचीत बंद करके रखे हो, वो तो तुम्हारी बहुत तारीफ करता है, हाँ वो तो तुमसे सुलह करना चाहता है, उसने तो मुझे भेजा है कि जाकर के मेरे भाई को मनाओ, इधर भी जाकर के बोल दे। हाँ, अगर इस तरह का झूठ बोलने से लोगों के दरमियान इस्लाह हो सकती है, टूटे हुए ताल्लुकात जुड़ सकते हैं, खराब रिश्ते बन सकते हैं, तो झूठ तक बोलने की शरीयत इजाजत दे दी है। इस्लाह का काम इतना प्यारा काम है, इसलिए सहाबे कराम जो अल्लाह के नबी और सहाबे कराम जो बहुत सारी निकियां करते थे, ये भी लोगों के दरमियान इस्लाह करा देना, टूटे हुए ताल्लुकात खासतौर पर रिश्तों में जो दरारें आती हैं उनको जोड़ना, दोस्तों में जो खराबियां आ गई उनको जोड़ना, इस्लाह का काम करना। क्योंकि क्या होता है, ताल्लुकात खराब होने से दीन खराब होता है लोगों का, बातचीत और खतरा ताल्लुकी से दीन खराब होता है। तो लोगों के दरमियान इस्लाह कराना, सुलह कराना, ये बाकायदा नेकी के काम है जिसकी तरगीब दी गई हमारी शरीयत के अंदर। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बावजूद इसके कि हमारा दीन में इतनी बड़ी नेकी है, हमारे यहाँ लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, यानी वो बाकायदा वो एक लफ्ज कहा जाता है दूसरे के फड्डे में टांग नहीं अड़ाओ। हाँ, तो ये दूसरों के फड्डे में
टांग अड़ाना नहीं है ये, बल्कि लोगों के दरमियान इस्लाह का काम करना है। और इस्लाह का काम करने वाले को बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, तो वो सब्र के साथ उन चीजों को सुने, बर्दाश्त करे। अफसोस से कहना पड़ता है ना कि लोगों के दरमियान इस्लाह कराने में शरीयत ने हमको झूठ बोलने की आजादी, पर हमारे यहाँ लोग इस्लाह कराने के बजाय लड़ाने के लिए झूठ बोलते हैं। अजीब बात है कि इस्लाह कराना नेकी का काम है, तो हमारे यहाँ इस्लाह कराने के वाले तो बहुत कम है। यानी दो लोगों में लड़ाई भी होती तो आदमी आमतौर पर गैर जानबदार रहता है कि मैं किसी की साइड नहीं लूंगा, हालांकि उसको साइड लेकर के इस्लाह करनी चाहिए, लोगों की सुलह करानी चाहिए। तो सुलह कराने के लिए तो लोग झूठ नहीं बोलते, उल्टा लड़ाने के लिए झूठ बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनका पसंदीदा मशगला होता है लोगों को लड़ा दो आपस में। जैसे पुराने जमाने में लोग मुर्गियां लड़ा करके लुत्फ लेते थे और बकरे लड़ा करके लुत्फ लेते थे, दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इंसानों को लड़ाने में लुत्फ आता है। इनके पास जाके उनकी बुराई करेंगे, उनके पास जाके इनकी बुराई करेंगे, सास से बहू की बुराई करेंगे, बहू से सास की बुराई करेंगे, शौहर से बीवी की बुराई करेंगे, बीवी से शौहर की बुराई करेंगे, इस सौकन से उस सौकन की बुराई करेंगे, उस सौकन के पास जाएंगे तो इस सौकन की बुराई करेंगे, आपस में एक दूसरे को लड़ा देंगे, उनको मजा आता है लड़ाने में। तो जब आप ये समझिए, जब सुलह कराना इतनी बड़ी नेकी है तो लड़ाना कितना बड़ा गुनाह होगा, है ना। तो अशिया तू रफू भी अजदादीहा, चीजों को अपनी अपोजिट से पहचाना जाता है। जब सुलह कराना इतनी बड़ी नेकी है तो लोगों को आपस में लड़ाना कितना बड़ा गुनाह होगा। और हम में से कितने सारे लोग हैं ना जिनका पसंदीदा मशगला होता है लोगों को लड़ाना, एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ लड़ाना, शोहर को बीवी के खिलाफ कर देना, बीवी को शोहर के खिलाफ कर देना, बहनों को बहनों के खिलाफ कर देना। खास तौर पे मोबाइल के इस दौर में सोशल मीडिया की वजह से ये गुनाह कितने ज्यादा आम हो गए हैं कि हम समझते नहीं है कि बाज मरतबा एक शोहर से उसकी बीवी की बुराई कर रहे होते हैं, या बीवी से शोहर की बुराई कर रहे होते हैं, या सास से बहू की बुराई करके, या बहू से सास की बुराई करके आपस में घरों में तनाजात का बीज बो करके आ जाते हैं। लोग छोटी छोटी बातें करके आते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी बातें बड़े से फसाद का सबब बन जाती हैं लोगों की वजह से। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि लोगों के दरमियान सुलह कराना बहुत बड़ी नेकी है, और लोगों को लड़ाना आपस में दूसरे से बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि जो चीज जितनी बड़ी नेकी तो उसका अपोजिट उतना ही बड़ा गुनाह होगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि अपनी कस्मों को आड़ मत बना लो नेकियों से, अपने और नेकियों के दरमियान में, और अल्लाह से तकवा, अल्लाह के तकवा के कामों में, और लोगों के दरमियान इस्लाह के कामों में। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। सुनने वाला, एक तो हमको दो, जब भी अल्लाह ताला का नाम आता है ना, हमको दो चीजें उससे पता चलती हैं, और बाज मरतबा तीन चीजें पता चलती हैं। एक तो अल्लाह ताला का नाम पता चल गया कि अल्लाह ताला का नाम क्या है, समी अल्लाह का नाम है और अलीम अल्लाह का नाम है। दूसरा, अल्लाह की सिफत पता चलती है, सिफत इल्म है अल्लाह की और सिफत समा है अल्लाह की। तीसरा, अल्लाह का काम पता चलता है, फेल भी पता चलता है। यानी समा क्या है, फेल है, समिया मतलब होता है सुनना, तो समा फेल है, तो इससे हमको अल्लाह का एक फेल भी पता चला कि अल्लाह ताला सुनता है। तो एक नाम से हमको तीन फायदे हुए, है ना। नाम अगर जो है वो मुतादी हो तो उसे तीन फायदे होते हैं, और मुतादी ना हो तो उसे दो चीजें पता चलती है, एक तो अल्लाह का नाम, दूसरा अल्लाह की सिफत, और मुतादी होगा तो अल्लाह ताला का एक फेल भी हमको पता चला कि अल्लाह ताला सुनने वाला है। तो सुनना जो है वो समी जो है वो अल्लाह ताला की सिफत मुतादी है, तो उससे हमको अल्लाह का फेल भी पता चला। यानी अल्लाह ताला जब चाहता है तब सुनता है, तो जो सिफात फेलिया होती है उनका ताल्लुक अल्लाह की मशीयत से होता है। ये मैं लोगों के लिए बता रहा हूँ जो अकीदे के इन मबाइस को पढ़ चुके हैं, वरना इनको समझाने में बहुत तफसील जाएगी। और इल्म जो है वो अल्लाह ताला की सिफत फेलिया नहीं, क्योंकि उसका ताल्लुक अल्लाह की मशीयत से नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला जब चाहता है जब जानता है, और जब नहीं चाहता तब नहीं जानता, ऐसा नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला जब नहीं, जब चाहे ना चाहे, अल्लाह ताला इल्म वाला हर चीज को जानता ही अल्लाह ताला। तो बहरहाल अल्लाह ताला समी है, अलीम है, अल्लाह सुनने वाला है, देखने वाला है, सुनना उसकी सिफत है, इल्म उसकी सिफत है, और सुनना उसका फेल भी है। तो ये आयत नंबर 224 की तफसीर भी आगे फरमाया, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फी अयमानिकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी कस्मों में जो लघु चीजें होती हैं उन पर तुम्हारी पकड़ नहीं करता। वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम, लेकिन तुम्हारी पकड़ उन चीजों पर करता है जो तुम्हारे दिलों ने कमाया है, जो तुम्हारे दिलों की कमाई होती है। वल्लाहु गफूरुन हलीम, और अल्लाह ताला गफूर और हलीम है। अब क्योंकि कसम की बात आ रही है, तो एक बात और बहुत अहम बता दी गई कि जो लघु कस्में होती हैं अल्लाह उन पे पकड़ नहीं करता। लघु कस्मों से क्या मुराद है, इसकी बड़ी वजाहत जो है ना हजरत आयशा की हदीस में आ जाती है, जो सही बुखारी की रिवायत है। फरमाती है, उन जिलत हाजिल आया ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फी अयमानिकुम फी क़ौली रजुलि ला वल्लाहि बला वल्लाहि, की जो आयत थी कि अल्लाह ताला लघु कस्मों, लघु मतलब फजूल, तो फजूल कस्मों से यहां पर क्या मुराद है कि जैसे आदमी बात बात पे कहता है ला वल्लाही बला वल्लाही, ये अरबों का तरीका होता है। अभी भी अरब जो है ना, आप उनके साथ रहेंगे तो आप ये देखेंगे कि बाज मरतबा वो इस तरह से बात बात पर, कोई उनके जहन में बात नहीं होती है, बस बात बात करते ला वल्लाही बला वल्लाही ऐसे बोल देता है, वो कुछ सोच करके नहीं बोल रहा होता है।
तो जो ऐसे तकिए कलाम के तौर पे जो लफ्ज निकल जाते हैं, कभी कसम के आदमी सोच करके नहीं कसम खा रहा होता है, बस तकिए कलाम के तौर पे निकल गए, तो ये लघु कसमें, यानी ये इनका कोई माना नहीं है, फजूल कसमें, इन पे अल्लाह पकड़ नहीं करता। अच्छा, पकड़ करने नहीं करने से क्या मुराद है? पकड़ नहीं करने से दो मुराद है, एक तो आखिरत में पकड़ नहीं करेगा कि तुमने क्यों कसम खाई थी भाई, जब तुमने ये काम नहीं करना था या ये काम तुमने नहीं किया था, तो आखिरत में पकड़ नहीं करेगा। दुनिया में पकड़ नहीं करेगा मतलब उसका कफारा नहीं अदा करना। अगर किसी आदमी ने कसम खाई वल्लाह ये नहीं करूंगा मैं, लेकिन वो कुछ सोच करके नहीं बोला, फिर उसने कर लिया, उसके जहन में नहीं था, बस वो एक आदतन जो है ना, वो कसम उसकी जबान से निकल गई, फिर उसने वो काम कर लिया, तो उस पर उसकी पकड़ नहीं होगी क्योंकि आदतन उसने बोल दिया था। लेकिन वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम, लेकिन जो तुम्हारे दिल ने कमाया है, यानी दिल के पुख्ता इरादे के साथ अगर कसम खाई है, 100% दिल में इस्तेजार था और कसम खाई है कि फला काम में नहीं करूंगा, और फिर तुमने कर लिया, तो उस पर तुम्हारी पकड़ होगी। इस आयत की बड़ी प्यारी तशरीह जो है ना, वो सूरह निसा की उस आयत में हो जाती है, जो मैंने इससे पहले यहाँ पर कसम के कफारे के हवाले से जो आयत यहाँ पर सूरह निसा की आयत नंबर 79 है, फरमा युआखिज़ुकुमुल्लाहु फी अईमानिकुम वला युआखिज़ुकुम बिमा अक़दतुमुल अईमान, कि अल्लाह ताला लघु कस्मों पर तो तुम्हारा मुआखजा नहीं करता, लेकिन वो कस्में जो तुमने दिल के यकीन के साथ खाई हैं, जो पुख्ता यकीन के साथ खाई हैं, उन पर अल्लाह ताला तुम्हारा मुआखजा करता है। तो अक़दतुम अकीदा बोलते ना पुख्ता यकीन को, तो जो दिल की पुख्तगी के साथ कसम खाई है, उन पर अल्लाह ताला तुम्हारी पकड़ करता है। तो जो ऐसे ही कसम खा लेते हैं, बस होता ना कि अल्लाह कसम हमारे उर्दू में भी बहुत सारे लोगों की आदत होती है। पहली बात तो आदत नहीं होनी चाहिए बार बार अल्लाह के नाम की कसम खाना, पर बाद लोग आदतन अल्लाह कसम बोल देते हैं और उनका कोई बाकायदा इंटेंशन नहीं होता है, तो ऐसी कस्मों पे तो अल्लाह की पकड़ नहीं करेगा। लेकिन जिसने बाकायदा सोच समझ करके जहन और दिल की हाजिरी के साथ कसम खाई हो, फिर अगर उस कसम को तोड़ेगा तो अल्लाह क्या मुआखजा होगा दुनिया में, या तो उसका कफारा अदा करे, या अगर कफारा नहीं अदा करेगा तो अल्लाह ताला क्या उसकी पकड़ होगी, वो गुनाह में मुलविस हो जाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम, अल्लाह ताला उन चीजों पे तुम्हारा मुआखजा करता है जो तुम्हारे दिल की कमाई होती है। अच्छा, इससे एक बात ये भी पता चली ना कि दिल की भी कमाई होती है, दिल के भी अमाल होते हैं, और दिन के अमाल से बंदे को सवाब भी मिलता है और गुनाह भी मिलता है। दो चीजों में इसलिए फर्क करना चाहिए, एक होता है हदीसुल नफ्स और एक होता है कसबुल, एक होता है हदीसुल कल्ब और एक होता है कसबुल कल्ब। हदीसुल कल्ब मतलब दिल की बातें, दिल में जो बातें आती है, आदमी बाज मरतबा उसका इरादा नहीं होता, लेकिन कुछ भी आ गया दिल में, कहीं पे बात आ रही है कि भाई अल्लाह को किसने बनाया, हदीस में आता है कि ऐसा कोई दिल में बात है तो इस्तग़फार करना चाहिए, दिल में कोई कुफ्रिया बात आ गई, कोई ख्याल आ गया जो गैर इख्तियारी होता है, तो गैर इख्तियारी चीजों पर अल्लाह पकड़ नहीं करता। जो हदीस में आता है ना कि अल्लाह ने दिल की मामलात में माफ कर दिया उम्मत को, उसमें क्या है, वो चीजें जो गैर इख्तियारी तौर पे दिल के अंदर आ जाती हैं, अल्लाह उन पे पकड़ नहीं करता। पर बाज मरतबा दिल में चीजें गैर इख्तियारी बल्कि दिल का बाकायदा एक अमल होता है, जैसे इरादा दिल का अमल है, नीयत दिल का अमल है, तो नीयत पर सवाब भी मिलता है, गुनाह भी मिलता है, क्योंकि वो बाकायदा दिल का एक अमल होता है, इंसान बुरे शूर के साथ वो काम कर रहा होता है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला दिल की कमाई पर तुम्हारी पकड़ करेगा, मतलब दिल में अगर बाकायदा नीयत गलत है तो उस पर पकड़ होगी, दिल में इरादा गलत है उस पर पकड़ होगी, बाकी जो दिल में गैर इरादी तौर पे ख्याल आते हैं उन पे अल्लाह ताला पकड़ नहीं करेगा। तो कसम की बहुत सारी चीज किस्में होती हैं, एक कसम भाई जो है वो ये बताई गई कि आदमी ऐसी कसम खा ले जिसमें उसने नेकी से अपने आप को रोक दिया हो तो उनको तोड़ करके वो नेकी करे, कोई कसम खा ली जिसमें गुनाह की कसम खा ली तो वो कसम तोड़ करके उस गुनाह से तौबा करे, और कोई कसम खा ली है जिसमें जायज की कसम खाई है लेकिन उसमें खैर नहीं है, खैर किसी दूसरे काम में, तो फरमाए तोड़ करके खैर वाला काम करो, और अगर ऐसी ही कसम खा ली लघु कसम है तो उस पर अल्लाह ताला के यहाँ कोई पकड़ नहीं होगी। ऐसे ही एक यमीन होती है यमीन गमूज, यानी कसम दो तरह की होती है, एक होती है भाई मुस्तकबिल में आपने कुछ करने की कसम खाई है और अगर आपने वो काम नहीं किया, या कोई काम नहीं करने की कसम खाई थी और काम कर लिया, तो उस पर तो कफारा अदा करना है। एक कसम कौन सी होती है, माजी वाली, कि आपने माजी में आपने कसम खाई कि अल्लाह की कसम फला काम हुआ है और वो काम नहीं हुआ है, तो इसमें भी दो तरह की कसमें हो सकती हैं। एक तो लघु कसम होती है माजी वाली, पास्ट वाली, मानी आपने कहा अल्लाह की कसम फला आदमी ने झूठ बोला है, आपको लग रहा था कि उसने झूठ बोला, हालांकि उसने झूठ नहीं बोला, पर आपके इल्म में नहीं था, आपने लाइल्मी में कोई कसम खा ली, हालांकि वो यानी फला आदमी ने चोरी की है, अल्लाह की कसम आपने खा ली, उसने चोरी नहीं की थी, पर आपने लाइल्मी में ये कसम खाई है, आपको पता नहीं था, तो ये कसम भी लघु कसम है, इस पर कोई कफारा नहीं। आपने एक तो होता है मुस्तकबिल की कसम, फ्यूचर की कसम, फ्यूचर में मैं ये करूंगा, ये तो कफारे वाली कसम है, जो माजी की कसमें होती है उनमें कफारा नहीं होता है। मसलन एक तो लघु कसम हो गई कि आपको पता नहीं था, आपने कहा कि फला अल्लाह की कसम फला हादसा हुआ है और वो हादसा नहीं हुआ था, तो ये आपकी लघु कसम है, इस पर कोई मुआखजा इंशाल्लाह नहीं, क्योंकि आपने लाइवी में कसम खाई, आपको पता ही नहीं था, आपके नॉलेज में ही नहीं था,
एक कसम ये होती है कि आदमी को जानबूझ करके झूठी कसम खा रहे हैं। तो अल्लाह की कसम, मैंने फला को इतना रुपया कर्ज दिया था, हालांकि कर्जा उसने नहीं दिया था, जानबूझ करके झूठ कसम खा रहा है। तो ये यमीने गमूस है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये इसका कोई कफारा नहीं है, इस पर तौबा है, इस्तिगफार है। इसका कफारा नहीं, कफारा फ्यूचर वाली कसम का है, पास्ट वाली कसम का कफारा नहीं है। अगर आदमी झूठी कसम, इसको झूठी कसम हमारे कहा जाता है ना, झूठी कसम अगर खाया है और वो बात उसको पता थी, तो इस पर कफारा नहीं है। ये कबीरा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है कि आदमी ऐसी कसम खाए जिसमें उसको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, इस पर इस्तिगफार है, तौबा है, पर इसका कोई कफारा नहीं। तो एक कसम है फ्यूचर वाली, उसमें मैंने मुख्तलिफ किस्में बताई। एक किस्म है पास्ट वाली, कसम है पास्ट वाली। और पास्ट वाली भी दो किस्में हैं कसम की। एक जिसमें आदमी लाइमी में कोई कसम खा लेता है, उसको पता नहीं होता है, तो इस पर तो उसको कोई मुआखजा नहीं है। और एक कसम है कि उसको यकीन झूठ बोल रहा है जानबूझ करके, और उस पर कसम भी खा रहा है, तो ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। इस पर कफारा तो नहीं है, लेकिन तौबा है, इस्तिगफार है। अब कसमोई की बात आ रही है, तो एक खास किस्म जो खाई जाती थी, कसम खाई जाती थी अरबों के यहाँ पे, वो अपनी बीवी से कुर्बत ना करने की कसम। देखिए वो कैसे तरतीबे आ रही है ना, पहले बीवी से हुस्न सुलूक की बात आई, फिर कसम की बात आई, फिर बीवियों की बात आ गई। लिल्लजीना युलूना मिन निसाइहिम, कि वो लोग जो अपनी औरतों के साथ ईला कर लेते हैं, तरबुसो अरबाती अशहुर, तो उनको साल 4 महीने इंतजार करना है। फइनफाउ फइन अल्लाह गफुरु रहीम, फिर अगर वो रुजू कर ले तो अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तलाक फइन अल्लाह समीउन अलीम, और अगर उन्होंने तलाक की यकीन इरादा कर लिया है पुख्ता, तो अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। यहाँ पे ईला की बहस शुरू हो रही है। ईला किसको कहते हैं, मैंने बताया ना अभी ही, आला यूली ईलान से का असल मतलब तो है कसम खाना, वला यातली उबर गुजरा, तो कसम खाने के माने में लफ्ज आता है। लेकिन युलूना मिन निसाइहिम जब आया तो मतलब औरतों के बारे में कसम खाना। तो औरतों के बारे में क्या कसम खाई जाती थी, जमाने जाहिलियत का एक तरीका ये होता था, जैसे एक जिहार होता था जिसमें आदमी कसम खा करके बोलता था कि अल्लाह की कसम तो मेरे लिए मेरी माँ की पेट की तरह है। एक कसम, एक तलाक का तरीका होता था ईला, ये तलाक भी नहीं होती थी। इसमें क्या होता था, एक औरत को आदमी तलाक भी नहीं दे रहा है और कसम खा ली कि अल्लाह की कसम मैं इसके करीब नहीं जाऊंगा, इससे हम बिस्तरी नहीं करूंगा, ये औरत के लिए ईजा की बात हो जाती थी। भाई तलाक दे दे, खत्म, तलाक कोई जुल्म नहीं है, बाज मरतबा रिश्ता नहीं चल सकता है तो तलाक हो गई, ठीक है, मर्द को नहीं समझ में आया तलाक दे दी, उसको आजाद कर दिया, औरत चाहे जहां शादी कर ले, ये अपनी निगाह में अच्छे से रखा हुआ है। पर यहां भी ये क्या कर रहा है कि तलाक भी नहीं दे रहा कि औरत आजाद होकर कहीं शादी कर ले, और खुद भी उससे हमबिस्तर ही नहीं कर रहा, उसकी बारी नहीं दे रहा, उसके करीब नहीं जा रहा, कसम खा ली है कि मैं अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, उससे हमबिस्तर ही नहीं करूंगा। तो ये एक जुल्म का तरीका था जो औरतों पर चलता था जमाने जाहिलियत में। इस्लाम ने आकर के औरतों पर होने वाले जिन जिन मजालिम का खात्मा किया, उनमें से ये भी था कि ईला तुम नहीं कर सकते, औरत से करीब जाने के बारे में तुम कसम नहीं खा सकते, अगर कसम खा ली है तो सिर्फ 4 महीने की कसम खा सकते हो, यानी 4 महीने के दरमियान अगर कसम खा लो तो जैसे 1 महीने खा लो, 2 महीने खा लो, 3 महीने खा लो, 4 महीने खा लो, ठीक है, इससे ज्यादा कसम नहीं खा सकते। अगर 4 महीने से कम की कसम खाई है तो ठीक है, जैसे एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इला किया एक मरतबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब भी बीवियों के साथ बहुत इख्तिलाफ हुआ नफका को बढ़ाने के मामले में, तो अल्लाह के रसूल ने कसम खा ली कि मैं 1 महीना किसी बीवी के पास नहीं जाऊंगा, और 1 महीना अल्लाह ने किसी बीवी के पास नहीं गए, 1 महीने के बाद गए। हजरत आयशा ने कहा, वो जो है ना वो 29 दिन थे, तो कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तो कहा था कि 1 महीने के नहीं आऊंगा और आप 29 दिन में ही आ गए, तो फरमाया कि महीना जो है वो 29 दिन का ही होता है। तो अगर किसी ने 1 महीने की कसम खा ली है तो ठीक है, इतनी इजाजत है कि वो 1 महीना अपनी बीवी के पास ना जाए, 2 महीने की कसम खा ली तो ठीक है, 3 महीने की कसम खा ली ठीक है, 4 महीने की कसम खा ली तो ठीक है, लेकिन 4 महीने से ज्यादा कसम खा करके बीवी के पास नहीं जाइए, उसकी इजाजत नहीं है उसको। तो फरमाया लिल्लदीना यूलूना मिन निसाइहिम, जो कसम खा ले कि हम अपनी बीवी के पास नहीं जाएंगे, वो क्या करेंगे, तरबुसो अरबाती अशहुर, 4 महीने का इंतजार किया जाएगा। बीवी 4 महीने तक देखेगी कि 4 महीने में अपनी कसम से पलटने ही नहीं पलटते। अगर मान लीजिए 4 महीने की कसम खाई थी और 1 महीने में ही वापस आ रहे, तो उनको क्या करना पड़ेगा, आप लोग कमेंट में बताएंगे इंशाल्लाह। तो अगर 4 महीने की किसी आदमी ने कसम खा ली थी कि मैं बीवी के पास नहीं जाऊंगा और 1 महीने में ही पलट आया, तो वो क्या करेगा, ये आप लोग अपने उसमें बताएंगे। तो बहरहाल 4 महीने की कसम खाई, और अगर 4 महीने से ज्यादा की खा ली है, मैंने कहा कि 1 साल में अपनी बीवी के पास नहीं जाऊंगा और कसम खा ली, तो 1 साल तक की वो अपनी बीवी को उसके हुकूक जौजियत से महरूम नहीं रख सकता है। फिर क्या होगा, फिर बीच में काजी आएगा, और काजी 4 महीना, 4 महीने से पहले नहीं आएगा काजी, 4 महीने के बाद औरत काजी के पास जाएगी और काजी इसके पास अपना मुकदमा रखेगी कि इन्होंने कसम खाई है, तो आप इनको बात करें। फिर उसके बाद क्या होगा, या तो वो रुजू कर लेगा,
यानी वो अपना कसम तोड़ करके अपनी बीवी के पास जाएगा 4 महीने के बाद, या फिर अगर तलाक देना तो तलाक दे देगा। दो में से एक बात होगी, या तो तलाक दो या तो अच्छे से सुलूक करो, ऐसे छोड़ करके नहीं रह सकते औरत को। ये औरत पर जुल्म होता था कि कसम खा ली है, बस औरत के पास भी नहीं जा रहे और उसको आजाद भी नहीं कर रहे, तो काजी उसको मजबूर करेगा कि भाई या तो 4 महीने गुजर चुके, 4 महीने तक तुम्हारी कसम वैलिड थी, तुमको हक हासिल था। ये किस लिए होता है? औरत की तादीब के लिए। बाज मरतबा औरत जो है वो सता रही है, परेशान कर रही है, नाफरमानी कर रही है, जैसे नफ्सा के बारे में आता है कि लेकिन एक मरतबा 2 महीने तक गालिबन इला किया था उनके साथ, कि 2 महीना अल्लाह के नबी उनके घर पे नहीं गए थे, तो 4 महीने तक चल सकता है कि औरत जो हदीस में आता है ना, जो पिछली आयतें गुजरी हैं कि भाई औरत को समझाओ, समझा के नहीं मानती, बिस्तर अलग कर दो, तो ठीक है बिस्तर अलग करने की मुद्दत ज्यादा से कितनी होनी चाहिए? 4 महीने हो सकती है। 4 महीने से ज्यादा अगर कसम खा ली है तो 4 महीने से बिस्तर अलग नहीं कर सकते। फिर वो काजी के पास जाएगी, या तो वो खुला ले लेगी, या तो शोहर जो है वो तलाक दे देगा, या फिर वो रुजू कर लेगा। 3 में से 1 बात होगी, पर ऐसे औरत को लटका करके नहीं रख सकते। तो औरत पे जो जुल्म होता था कि ना उसके पास ही जा रहा है ना उसको तलाक ही दे रहा है, शरीयत ने वो रास्ता बंद कर दिया। फरमाया लिल्लदीना यूलूना मिन निसाहिम तरब्बुसु 4 अशहर, जो अपनी बीवियों से ईला करते हैं वो सिर्फ 4 महीने की मुद्दत में ईला कर सकते हैं। अच्छा, ये ईला अलग चीज है। और ऐसे अगर मर्द और औरत के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ठीक है, आदमी को जरूरत नहीं पड़ रही औरत की, और औरत भी जो है वो मुतमईन है और कोई कुर्बत नहीं हो रही है, जैसे आदमी सऊदी चला गया, औरत को कोई परेशानी नहीं है, उसको वो इजाजत देकर के रखी हुई उसने कि आप रहे 2 साल 3 साल में ही आ रहा है, तो उससे तलाक नहीं होगी, उससे जो है वो असर नहीं पड़ेगा, उसको फिर मजबूर नहीं किया जाएगा तलाक देने पर। ये कौन सी बात हो रही है? जब आदमी ने कसम खा ली हो कि मैं अपनी बीवी के पास नहीं आऊंगा, उसमें यह है कि 4 महीने से ज्यादा की कसम नहीं खा सकते हो। और वैसे ही आपस में अंडरस्टैंडिंग से मियाँ बीबी कुर्बत नहीं कर रहे हैं, मान लो जो अपनी महके में ही आदमी है, आदमी घर में रह करके भी कुर्बत नहीं कर रहा, बिस्तर नहीं कर रहा, तो उसके लिए कोई मुद्दत नहीं है। ये मुद्दत किसके लिए? कसम के लिए, ईला वालों के लिए। तो इनफाऊ, तो अगर वो वापस अपनी कसम में, फा मतलब होता है लौटना, तो अगर वो रुजू कर लें यानी कसमों के दरमियान 4 महीने के दरमियान या 4 महीना गुजरने के बाद रुजू कर लें, फइनल्लाह गफूर रहीम, तो अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। बख्शने की बात यहाँ क्योंकि क्योंकि जाहिर सी बात है कि औरत को उसके उस हक से महरूम करना गुनाह है, लेकिन अगर तुमने तौबा कर ली तो अल्लाह उस गुनाह को माफ फरमा देगा, वरना आदमी गुनहगार होगा, पर अगर तौबा कर ले तो अल्लाह माफ फरमा देगा। वही अदम तलाक फइनल्लाह समीउन अलीम, और अगर उसने पुख्ता इरादा कर लिया है तलाक देने का तो अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है, अल्लाह ताला फिर जो है वो उसको इजाजत है कि वो तलाक दे दे। अच्छा, यहाँ ये बात भी नोट करने की है कि महज कसम जमानो 4 महीना गुजर गया, 4 महीना गुजरने से तलाक वाकई नहीं होती, बल्कि बाकायदा उसको तलाक जो है ना वो प्रोनाउंस करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे जुमहूर की राय यही है, यानी मालकिया, शवाफे और हनाबिला, इन तीनों की राय यह है कि सिर्फ ईला करने वाले का 4 महीना गुजरने से खुला या तलाक नहीं होता, बल्कि उसको बाकायदा तलाक देना पड़ेगा। क्योंकि अल्लाह यहाँ क्या फरमा रहे हैं कि अगर वो तलाक का इरादा कर ले, यानी फिर इरादा करके वो बाकायदा तलाक देगा 4 महीने के बाद, या तो शोहर तलाक देगा, और शोहर तलाक नहीं दे रहा तो औरत के बोलने पर काजी जो है वो निकाह फस कर देगा, लेकिन बगैर तलाक या खुला के औरत अपने शोहर से अलग नहीं हो सकती। जबकि अहनाफ ये कहते हैं कि अगर ईला कर लिया और 4 महीने के दरमियान रुजू नहीं किया तो अपने आप तलाक वाकई हो जाएगी, ये बात सही नहीं है। कुरान की शायद से साफ समझ में आ रहा है कि भाई इसने इरादा कर लिया है तलाक का, तो या तो इरादा करने के बाद या तो वो तलाक देगा या तो वो तलाक नहीं देगा, जो भी मामला होगा। अगर वो तलाक नहीं दे रहा है तो फिर क्या ऑप्शन होगा कि औरत जा करके काजी से अपना निकाह फस कराएगी, लेकिन बगैर तलाक या खुला के औरत का रिश्ता खत्म नहीं होगा। यही राय जमहूर की राय है, और अहनाफ की राय इस मामले में कुरान की इस आयत के खिलाफ है। तो बहरहाल ईला का हुक्म यहाँ पर बयान हुआ कि जो अपनी बीवियों के बारे में कसम खा लें कि वो अपनी बीवियों के पास नहीं जाएंगे, तो ऐसी कसम आदमी 4 महीने से ज्यादा की नहीं खा सकता, 4 महीने से कम की खाया है तो 4 महीने की वो मुद्दत पूरी करेगा, 4 महीने से ज्यादा की अगर खा लिया है तो फिर उसको 4 महीने के बाद काजी के पास हाजिर होना पड़ेगा, या तो वो उसको तलाक देगा या तो वापस अपने निकाह में रख करके औरत से बिस्तरी करेगा। और ये बात ईला के बारे में है, यानी कसम के बारे में है। कसम खाए बगैर अगर आदमी अपनी बीवी के करीब नहीं रह रहा तो चाहे 100 साल अपनी बीवी के करीब ना जाए, तलाक वाकई नहीं होगी। ये सवाल बहुत सारे लोगों की तरफ से आता है कि फला मर्द और औरत जो है वो आपस में इतने साल से दूर हैं तो क्या उनकी तलाक वाकई हो गई? कितनी भी मुद्दत में, चाहे 100 साल चाहे 200 साल, एक आदमी अपनी बीवी के पास ना जाए उससे तलाक वाकई नहीं होगी, खुला वाकई नहीं होगा, निकाह का रिश्ता खत्म नहीं होगा। निकाह का रिश्ता या तो तलाक से खत्म होता है, या तो खुला से खत्म होता है, या तो फस से खत्म होता है, या बाज़ उलमा ने कहा लेहान से खत्म होता है, बाकी सिर्फ दूर रहने से निकाह का रिश्ता खत्म नहीं होता। अच्छा, सवाल जो मैंने किया था उसका क्या जवाब है? हाँ, सवाल का जवाब सही आया है कि कफारा देना पड़ेगा। वो औरतें जैसे आदमी ने 4 महीने की कसम खाया था और 1 महीने में ही वो अपनी बीवी के पास चला गया, तो वो कफारा देगा और अपनी
बीवी से वो करीब हो सकता है, बल्कि हदीस में यही आता है कि मान लो 4 महीने की कसम खा ली लेकिन बाद में समझ में ही आ रहा है कि नहीं दूर रखना चाहिए औरत को, तो वो 1 महीने में ही अपनी बीवी के पास चले जाए, कुर्बत कर ले, बेहतर यही है उसके लिए, और वो जो उसने कसम तोड़ी उसका वो कफारा अदा कर दे। तो इला का हुक्म यहाँ पे बयान हुआ। और फिर इसके बाद वाली आयत में मुतल्लका औरतें, यानी अगर तलाक दे दिया फिर उस मुतल्लका औरत को क्या करना है, उसके अहकाम अगली आयत में बयान हुए, क्योंकि वो बहुत तफसीली और बहुत अहम आयत है, तो इंशाल्लाह उस पर हम अगले दर्स में गुफ्तगू करेंगे। तो बहरहाल आयत में देखेंगे आपकी तरतीब बड़ी अहम है। पहली आयत में अल्लाह ताला ने बताया कि औरतें जो है वो तुम्हारी खेतियां हैं, तो अपनी खेतियों के पास जैसे आना चाहो वैसे आओ, बस शरीयत के जो हुदूद है उनका ख्याल करो, नापाकी के दिनों में मत आओ, और दुब्र से यानी जो पीछे का सुराख है उससे हम बिस्तरी मत करो। फिर कसम के बारे में बताया गया कि नेकी के काम में कसमों को आड़ मत बना लो कि तुम नेकी का काम नहीं करोगे, तकवे का काम नहीं करोगे, इस्लाह का काम नहीं करोगे, अल्लाह की कसमों को इन नेकी के कामों में आड़ मत आने दो। फिर बताया गया कि अल्लाह ताला लघु चीजों पे तुम्हारी पकड़ नहीं करता, लघु कसमों पे तुम्हारी पकड़ नहीं करता, उन कसमों पे तुम्हारी पकड़ करता है जो तुमने दिल की यकीन के साथ खाई है। और फिर अल्लाह ने इला का हुक्म बयान करके फरमाया कि अगर किसी ने इला कर लिया है तो 4 महीने से ज्यादा उसका इंतजार नहीं किया जाएगा, 4 महीने के बाद या तो वो रुजू करेगा या तो वो तलाक दे देगा। तलाक देने के बाद क्या होगा, मुतल्लक औरत के क्या अहकाम है, वो बहुत अहम अहकाम है जो पिछले अगली आयतों में आ रहे हैं। वक्त हमारा खत्म हो गया, तो इंशाल्लाह वो आयतें हम अगले दर्स मिलेंगे। अल्लाह ताला हम सबको दीन का सही फहम अता फरमाए। सुभान अल्लाह। बारक अल्लाह फीकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।